अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफताब। दो दिन की छुट्टी इस तरह से कह सकते हैं कि हम महदूद रहे, थोड़ा थोड़ा सा हमने कोशिश की कि हम वो सब कुछ प्रैक्टिस करें जो कि कोरोना की वजह से गाइडलाइंस हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ी सी बुक्स पढ़ी, ज़रा सी पेंटिंग भी की थी, बहुत सारे वीडियो कॉल्स किए थे, टीवी देखा था, थोड़ा सा ज़्यादा मिस किया था उन रिलेटिव्स को, उन फैमिली मेम्बर्स को कि जिनसे मिलने नहीं जा सकते। एक बार वीडियो कॉल करते हुए थोड़ा सा गुस्सा भी आया था कि ये क्या मुसीबत है, ये अपने भांजा भांजी को निकाल क्यों नहीं सकती मैं इसमें से। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सब कुछ करना तो बहुत ज़रूरी है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिनको मैं याद कर रही हूँ, उन लोगों के लिए भी जिनको मैं जानती नहीं लेकिन वो मेरी वजह से मुतासर हो सकते हैं। अगर मैं बेताब होके, बेचैन होके, मुझे गार्डन में जाना है, मुझे अम्मा अब्बा से मिलना है अपने, मुझे अपने खानदान के घर के बच्चों से मिलना है, अगर ये सब कुछ सोचा और इसकी रॉ में बह गए तो नुकसान बहुत होगा। और आपको अंदाज़ा नहीं है, दुनिया भर में जहाँ जहाँ कोरोना है वहाँ वहाँ नुकसान इसलिए भी हो रहा है, हम वो सारे के सारे प्रोटोकॉल्स मेंटेन नहीं कर रहे जिससे हम इस वायरस से बच सकें। इसीलिए तो मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ मकामात से ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि दिल तड़प के रह जाए। गुजरात में देखिए, एक 6 माह की बच्ची है ये, इसमें भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। ये वालिद के साथ 2 हफ्ते पहले स्पेन से पाकिस्तान आई थी और बच्ची के वालिद का टेस्ट मुस्बत आया था, और उसके बाद में अब ये पता चलना, यानी आप पहले बुजुर्गों के लिए और अपने साथियों के लिए परेशान थे, बच्चों के लिए भी परेशान। एग्जैक्टली और मुल्क भर के स्टैट्स आपके सामने रखें तो एक्टिव केसेस की तादाद 1560 तक जा पहुंची है। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से 5 अफराद जान की बाजी हार गए थे। मजमूई तौर पर अब तक 17 अफराद ऐसे हैं पाकिस्तान के जो कि जाबहक हुए हैं और 28 अफराद ऐसे हैं जो सेहतयाब हुए हैं, और जो सेहतयाब अफराद है उसमें सबसे ज़्यादा तादाद सिंध की है, कराची की है। कराची की बात करें तो कोरोना के 33 और पंजाब से 24 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। और जब हम कहते हैं कि नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो ये प्लीज़ समझिए इस बात को, जब हम नए केसेस रिपोर्ट होने की बात करें तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि सस्पेक्टेड केसेस तो पहले से थे, टेस्ट की रिपोर्ट अब आई है, दैट मींस टेस्टिंग स्लो है। तो ये मत कहिए कि इस सूबे के पेशेंट ज़्यादा हैं, इस सूबे के कम है, ये सुबह आगे निकल गया, ये सुबह पीछे रह गया, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पर टेस्टिंग तेज़ हो रही है, जहाँ पर मैसिव टेस्टिंग हो रही है, जहाँ पर रिजल्ट्स जल्दी आ रहे हैं, वहाँ पे केसेस की तादाद इसलिए बढ़ती चली जा रही है, वो जल्दी से जल्दी रिपोर्ट हो रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, जल्द केसेस का रिपोर्ट होना एक अच्छी बात है, क्योंकि जल्द रिपोर्ट होंगे तो उनको ट्रीट किया जा सकेगा, उनको फौरी तौर पर वो सहूलियात फराहम की जा सकेंगी जो उनको रिक्वायर्ड हैं। सिंध में कोरोना के केसेस की तादाद 502, पंजाब में 594, बलूचिस्तान में 141 और खैबर पख्तूनख्वा में 192 हो चुकी है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में 127, इस्लामाबाद की अगर हम बात कर लें तो यहाँ 43 अफराद इस ख़तरनाक वायरस से मुतासर हो चुके हैं। हमने पाकिस्तान भर के ये आदाद शुमार हैं कि जो आपके सामने रखे हैं ताकि आप ये जान सकें कि एक तो आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, वो सारी की सारी एहतियात फॉलो करनी है जो सारी दुनिया ने की, या मैं ये कह देती हूँ जी चीन ने की तो उन्होंने रिज़ल्ट पाया, वो एहतियात जो आपको हुकूमत पाकिस्तान कह रही है, बार बार कह रही है कि आप इसका ख्याल रखें। दूसरे ये कि टेस्टिंग का मरहला, उसको भी इंश्योर करने की ज़रूरत है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होंगे तो फिर ये सब कुछ पता चलता जाएगा। अच्छा, जिन लोगों के ऊपर जद पड़ रही है सब की, अब हम ज़रा उनकी बात कर लेते हैं। जो मिडिल क्लास तबका है ना, वो तो परेशान है ही, लेकिन पहले से सबको अंदाज़ा था कि जो रोज़ कमाता है और फिर घर जाता है और खाता है, वो सबसे ज़्यादा मुतासर होगा, उनको सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होगी। सिंध हुकूमत ने दिहाड़ीदारों को रकम देने के एक मंसूबे पर काम शुरू किया है। जब से ये सब कुछ हुआ है, केयर फॉर यू हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, तब से सबसे ज़्यादा यही मुतासर हैं। और अभी तक इसका कोई वाज़ मेकैनिज़म नहीं था तो इसीलिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी। सिंध हुकूमत दिहाड़ी पर काम करने वाले गरीबों को अब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पैसे देगी, रुपए शनाख्ती कार्ड नंबर पर जमा कराए जा सकेंगे, शहरी मोबाइल शॉप पर जाकर इन्हें वसूल कर सकेंगे। और जो रजिस्ट्रेशन है उसकी बात अगर हम करें तो दरख्वास्तें पहले ज़ाहिर है उसकी जमा होंगी और उनकी वेरिफिकेशन किस तरीके से होनी है कि सूबाई हुकूमत ने नादरा, FIA, FBR और स्टेट बैंक से मदद तलब की है। ऐसे अफराद जो हज या ज्यारतों के अलावा बैरून मुल्क सफ़र कर चुके हैं उन्हें इमदाद नहीं दी जाएगी। जिनके अकाउंट्स में 10,000 रुपये या इससे जायद की रकम मौजूद है वो भी इमदाद के हकदार नहीं होंगे। तो ज़ाहिर मैकेनिज़म पर काम हो रहा है, थोड़ा वक्त लगता है, लोगों से भी हम यही कहेंगे थोड़ा सब्र कीजिए, हुकूमत सोच रही है, हुकूमत कर रही है, रफाई इदारे, वेलफेयर के जो इदारे हैं वो ज़रूर काम कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे खुदा ना खास्ता कहीं सैलाब आ जाता
खुदा ना खास्ता कोई ऐसी आफत आ जाती तो फिर हेल्प पहुंचने में जितना टाइम लगता मेरे ख्याल में इस सिलसिले में उससे कम ही लगेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा एक बात ये भी है और दूसरे ये कि जब आप ये कहेंगे कि जी आपको मालूम हो जाएगा और आपको रकम वसूल करनी होगी तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अपनी एडवाइजरी में ये भी शामिल करें कि जैसे बेकरीज खुली रहेंगी फूड आइटम्स के लिए जो स्पॉट्स हैं वो थोड़ा सा खुले रहेंगे तो फिर मोबाइल शॉप्स भी आपको खोलनी पड़ेगी। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, अगर मोबाइल फ़ोन शॉप्स नहीं खोलेंगे ज़ाहिर है मुश्किल होगी, लेकिन इसमें हम ये भी देख सकते हैं जिस तरह फैसल ईदी साहब ने एक मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उसके ज़रिए आप लोगों को राशन प्रोवाइड करें, यानी जो मैकेनिज्म आप तय कर रहे हैं फॉर एग्जांपल पैसे देने का, अगर आप उसी पैसों के एवज राशन उन्हें एक खास स्पॉट से तकसीम करें, वो तो खुला ही होगा यूटिलिटी स्टोर तो ज़ाहिर है खुला ही होगा। लेकिन मसला फिर वही आ जाता है शुएब, ध्यान नहीं कर रहे। Yes. अगर हेल्प भी लेने के लिए जा रहे हैं, अगर ज़रूरत की चीज़ें भी लेने के लिए जा रहे हैं तो ध्यान नहीं कर रहे। अगर कहीं पर राशन तकसीम हो रहा था तो वहाँ बाकायदे एक दूसरे को धक्के मारे गए, हजूम इकट्ठा हो गया, अगर वो थोड़ा सा खुद भी डिसिप्लिन का मुजाहरा कर लेते तो प्रॉपरली राशन उन तक भी पहुँच सकता। लेकिन मसाइल इसके अलावा भी हैं। सिर्फ में लॉकडाउन को एक हफ्ता हुआ लेकिन हुकूमत अब तक राशन तकसीम करने का कोई वाजे कोई दुरुस्त तरीका तय नहीं कर सकी और वो लोगों तक पहुँच नहीं सका। वज़ीर आला दर्जनों इजलास कर चुके हैं, ऐलानात भी कर चुके हैं, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि जी कुछ नतीजा दिखाई नहीं दे रहा। राशन कमेटी के इंचार्ज सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को राशन ख़रीदने से भी रोक दिया है, तो अब मामला जा किस तरफ रहा है और ये सब कुछ हो क्या रहा है? संजय साधवानी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब जरा इलाज की बात करते हैं, चीन ने कैसे काबू पाया, दीगर ममालिक इस पर कैसे काबू पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हम बात करेंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन की, क्योंकि आज से इंग्लैंड में इस तरीके का इलाज पर काम शुरू हो जाएगा। चीन ने पैसिव इम्यूनाइजेशन के जरिए ही लोगों की जानें बचाई हैं। पाकिस्तान भी इस सिलसिले में काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में काम हो नहीं रहा, ऐसा नहीं है पाकिस्तान में रिसर्च हो नहीं रही, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तैयारी के मराहल में नहीं है। हम काम कर रहे हैं और कहां पर हमारी तैयारी पहुंची है उस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने, माहिर अमराज़ खून है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब लास्ट टाइम भी जब हमारी ट्रांसमिशन में और सेशन में और हमारे प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे पैसिव इम्यूनाइजेशन से मुतालिक, और जाहिर है उसके बाद हमने भी सूबाई हुकूमतों से विफाक से सवाल किए कि आखिर हम क्यों इस तरफ नहीं जा रहे, बता सकते हैं थोड़ा सा इस वक्त हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारी गवर्नमेंट्स कहाँ पर खड़े हैं, बिकॉज जाहिर है आफ्टर 18th अमेंडमेंट सूबाई मामला है ये। जी जनाब शुएब बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया। तो हमारी सूबाई हुकूमतें और फेडरल गवर्नमेंट जो है अब हम लॉजिस्टिक्स को तय करने के मामले में है। okay. ज़हनी तौर पे सब यकसू हैं कि हाँ ये एक मौसर तरीक़े इलाज साबित हो सकता है, और जैसे कि यूएसए में स्टार्ट हो गया, यूएस एफडीए ने अप्रूवल दे दिया, इसी तरीके से यूके ने जो मेरी जो आज से 10-12 दिन पहले जो ये तजवीज़ मैंने पेश की थी सारी दुनिया के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह यूके वाले उन्हें स्टार्ट कर दिया और दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं वो इसके इसकी लॉजिस्टिक्स सॉर्ट आउट कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो काम अभी तक हो चुका है रेगुलेटरी अप्रूवल के प्रोसेस में है, रिव्यू हो रहा है, इसके अलावा हमारी जो नेशनल बायोएथिक्स कमेटी है वो इस प्रपोजल को एथिकल एंगल से देख रही है कि इसको इम्प्लीमेंट करने से कहीं ऐसा तो ना हो कि प्लाज्मा देने वालों को कोई नुकसान पहुंच सके, या जिसको लगाया जाए जिस मरीज़ को लगाया जाए कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके नुकसान पहुँचने के इम्कान ज़्यादा हों। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं इसलिए कि इस कोरोना इंसान के ऊपर इंसानियत के ऊपर पहली मरतबा हमलावर हुआ है, इसके इलाज के लिए जो भी तरीका कहीं पर भी अप्लाई किया जाएगा वो तजर्बाती और इन्वेस्टिगेशनल ही समझा जाता है और समझा जा रहा है, और उसको इलाज के लिए तमाम रेगुलेटरी अप्रूवल जो हैं वो लाजमी तौर पर तसव्वुर किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे इस जगह खड़े हुए हैं कि पंजाब ने अप्रूव कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, सिंध जो है वो अप्रूवल के मराहिल उनका मुकम्मल हो गया है, एनडीएमए इसको रिव्यू कर रहा है, बलूचिस्तान और जो केपीके की गवर्नमेंट्स हैं वो इसको रिव्यू कर रही हैं। उम्मीद है कि इस हफ्ते में हम इसको अप्रूवल के और लॉजिस्टिक्स के मराहिल जो हैं वो हम सब एक जगह पर एक पेज पर आ जाएंगे। और ये भी फरमा दीजिएगा डॉक्टर साहब, होता ये है कि कोई अगर इस तरह की सिचुएशन अब ये बन गई है जो करे वो कम लगता है, तो जो एक्सपेक्टेड है जो आपकी तवक्को है कि ये इस कदर कारगर साबित होगा तो मुझे ये बता सकते हैं आप कि वो कितना आपको, हम लोग हमेशा पूछते हैं सक्सेस रेट क्या होगा,
तो आपको क्या लगता है कि कितनी जल्दी हम जो है ना वो लोगों को इस सब से बचा सकेंगे? आपका इलाज, ये इलाज किस कदर कारगर होगा? देखिए, जो चाइना वालों का जो तजर्बा है वो तो बहुत ही हौसला अफजा है। उन्होंने 90% से ज़्यादा इससे फ़ायदा अपने लोगों में रिपोर्ट किया है और मुस्तकिल रिपोर्ट करते चले जा रहे हैं। कहीं से 5 पेशेंट की, कहीं से 10 पेशेंट की, कहीं से 200 पेशेंट के की जो रिपोर्ट्स हैं वो इंटरनेशनल लिटरेचर में आ रही हैं। तो ये तो एक हौसला अफजा बात है कि इंशाल्लाह ताला बाकी ममालिक में भी अगर ये इलाज होगा तो उम्मीद है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों की जान बचा सकेगा। और ये भी बता दीजिएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि हम लोगों का इकोनॉमी अगर देखी जाए तो वैसे ही क्राइसिस है, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बहुत महंगा तरीका है कि जिसकी तरफ हम जा रहे हैं? ये कितना आसान है, कितना इकोनॉमिकल कितना है, या इस वक्त इसके ऊपर आप लोगों का फोकस नहीं है? देखिए, पहली जो बात है वो ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव, कम से कम जो आइडिया मैंने फ्लोट किया है वो ये किया है कि पूरी दुनिया में जो आईसीयू के बेड्स हैं वो सैचुरेट हो चुके हैं और मरीजों की तादाद इतनी है कि जो वेंटिलेटर, जिन मरीज़ों को वेंटिलेटर की और आईसीयू बेड की ज़रूरत है, तो वहाँ पर एक बेड के ऊपर 8 लोग, 5 लोग, 10 लोग जो हैं वो वेटिंग में, और लोगों को ये चूज़ करना मुश्किल हो रहा है कि किसको वो बेड दिया जाए और किसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने इस पैसिव इम्यूनाइजेशन की स्ट्रेटजी को ये सामने रख के करना है कि जैसे ही निमोनिया की पहली अलामत नमूदार हो उस वक्त ये प्लाज्मा ऐसे मरीज़ों को लगाना शुरू कर दें आप, तो उससे उनकी रिकवरी का इम्कान ज़्यादा होंगे, उससे हमारे पास आईसीयू के ऊपर लोड कम होगा और हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत इंशाल्लाह ताला कम से कम लोगों के लिए पड़ेगी। तो ये बिल्कुल वाज़े है, हम वहाँ पहुँचा के अपने मरीजों को, अपने भाई बहनों को, कि जब वो वेंटिलेटर पर जा रहे हों, आईसीयू के आखिरी बेड पे जा रहे हों, आखिरी स्टेजेस पे हों, उस वक्त लगाएं, तो उसके बजाय हम उसको, हमें पहले स्टेज पे कि जब वो निमोनिया का पहला स्टेज हो उस वक्त हमें लगा देना चाहिए उसको, तो इंशाल्लाह उसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतर होने के इम्कान होंगे इससे। अच्छा, जब आपसे पहले और बात हो रही उसके बाद इसकी लॉजिस्टिक्स की, उसके बाद फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें तो देखिए, आईसीयू में एक दफ़ा पेशेंट चला जाए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का आईसीयू हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का आईसीयू हो, आईसीयू की एक अपनी कॉस्ट होती है, जो दवाओं की होती है, बेड की होती है, आईसीयू की होती है, और कोई ना कोई उसका खर्चा उठा रहा होता है। रोज़ एक दिन का आईसीयू का खर्चा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपये रोज़ का होता है। तो अगर हम आईसीयू में जाने ही नहीं दे रहे, जाने देने की से पहले पहले मरीजों को रेस्क्यू कर रहे हैं, और एक प्लाज्मा लगाने के ऊपर एक खर्चा उसका अगर फर्ज करें 50,000 रुपये आ रहा है और आईसीयू में नहीं जा रहा, तो यू इफेक्टिवली यू आर सेविंग मनी एंड लाइव्स ऑफ आवर फेलो पाकिस्तानीज। अच्छा सर, अब ज़रा ये बताइए, इंशाल्लाह ताला आपने पहले जब हम बात कर रहे थे आपसे, आपने कहा था कि 2 हफ्ते लगेंगे आपको ये सारी की सारी चीज़ें देखने में, करने में। अब ये बताइए कि कौन कौन है कि जो इसका हिस्सा बन सकता है? एक तो वो कि जो रिकवर कर गए, दूसरे अगर एक कॉन्सेप्ट अभी शुएब भी कह रहे थे कि अगर हम इसको ऐसे लेना चाहें कि भाई ये किसी ऐसे शख्स को लगा दें आपके जिसको अभी कोरोना नहीं हुआ, क्या वो भी इससे प्रोसेस से गुजर सकता है, क्या ये उसके लिए मुफीद रहेगा? थोड़ा सा इसको अगर आप क्लियर करें हमारे देखने वाले। देखिए जी, ज़रूर ज़रूर, जो सेहतमंद आदमी को पैसिव इम्यूनाइजेशन नहीं की जाती, अमूमन नहीं की जाती, और इसको एक अच्छी प्रैक्टिस तसव्वुर नहीं किया जाता। पैसिव इम्यूनाइजेशन सिर्फ उनमें की जाती है जो ऑलरेडी किसी मर्ज से, किसी जरासीम से एक्सपोज हो चुके हों, उनके लिए की जाती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे पास, अभी आपने कॉस्ट की बात की, अगर हम हर शख्स को ये पैसिव इम्यूनाइजेशन करनी शुरू कर दें, ये प्लाज्मा लगाना शुरू कर दें, तो ये जो पूरे मुल्क को नहीं कर सकते आप ये काम, और उसका कोई फ़ायदा भी, इसलिए भी फ़ायदा नहीं है कि पैसिव इम्यूनाइजेशन का फ़ायदा एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, 2 से 3 हफ्ते तक ये एंटीबॉडी उस प्लाज्मा में मौजूद रहती है, उसके बाद ये गायब हो जाती है। तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोटेक्शन देती है, जिसमें मरीज़ को रिकवर होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। सही। तो इस काम के लिए, मैं तो, मेरा नहीं ख्याल कि पैसिव इम्यूनाइजेशन का तरीकाकार जो है वो हर आदमी, एक सेहतमंद आदमी, उसकी जरूरत नहीं है, उसका फायदा नहीं है। सेहतमंद शख्स को लगाएंगे, जिस तरह आपने भी कहा, वो जो एंटीबॉडीज हैं वो 2 हफ्ते के लिए रहती हैं, तो ज़ाहिर है उसका फायदा नहीं है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, ज़रा अभी लॉजिस्टिक्स तय हो रही हैं, गवर्नमेंट से आपकी बात हो रही है, आप सेटअप कर लेंगे, इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा,
क्या हमारे पास इतने सेहत याब लोग हैं इस वक्त कि हम उनका प्लाज्मा लेकर और जो बीमार हैं उनको लगाना शुरू कर दें? देखिए, ये जो इस वक्त ये जो हफ़्ता है, इस हफ्ते में हमारे पास रोज़ाना की में आप ये देखेंगे और रिपोर्ट्स आपको मिलनी शुरू होंगी हो जाएंगी कि रोज़ाना 10 मज़ीद सेहतियाब हो गए, 20 मज़ीद सेहतियाब हो गए। इस हफ्ते के दौरान शायद 200 से 250 लोग जो हैं वो सेहतियाब होने का उनके ऐलान कर दिया जाएगा। और इमीडिएटली हमें अपने उन भाइयों से जो कोरोना से रिकवर हो गए हैं, आपके तवस्सुत से, तमाम के तमाम जो हमारे मीडिया चैनल्स हैं उनके तवस्सुत से, हमें ये उन सब से रिक्वेस्ट करनी है कि अब आप कमर कस के तैयार हो जाइए अपने उन बहन भाइयों की जानें बचाने के लिए जो कोरोना से ज़्यादा शदीद बीमार हैं। उतने खुशकिस्मत नहीं हैं जितने कि आप हैं कि आप आसानी से रिकवर हो गए। वो अभी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और वो निमोनिया का शिकार हो रहे हैं, तो उनके लिए प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार हो जाइए, स्टैंड बाई रहिए, ताकि जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान होता है, सेंटर्स बता दिए जाते हैं कि आपके घर के करीब तरीन सेंटर कौन सा है जहाँ पे आप जाके और आपको प्लाज्मा डोनेट करना होगा, तो हम सब ने कमर कस के तैयार होना है, अपने एक एक भाई बहन की जान बचाने की पूरी कोशिश करनी है। अगर आपने एक दफ़ा प्लाज्मा दे दिया तो एक आदमी हर 2 हफ्ते के बाद उतना ही प्लाज्मा दोबारा डोनेट कर सकता है बगैर कोई उसको नुकसान पहुंचे। Exactly, मैं यही पूछना चाह रही थी सर, अगर आप इसके ऊपर रोशनी डालें कि जो शख्स प्लाज्मा देगा और फिर 2 हफ्ते के बाद में वो दोबारा जाएगा सेंटर दूसरे अपने भाइयों को हेल्प करने के लिए, दूसरे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, तो इस सबसे उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कोई खतरा करना चाहिए। आम जिंदगी में जो लोग जब इस वक्त ये एपिडेमिक की या पेंडेमिक की सिचुएशन जब नहीं होती तो दुनिया भर में ऐसे डोनर्स हैं जो सिर्फ प्लाज्मा को डोनेट करते हैं, हर 2 हफ्ते के बाद जाते हैं प्लाज्मा के सेंटर में और डोनेट करते हैं, और उनके दिए हुए प्लाज्मा से मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट बनते हैं जिसमें ह्यूमन एल्ब्यूमिन है, इम्यूनोग्लोबुलिंस हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिंस हैं, NTD है, ये रेगुलरली बनता है और हर वक्त बन रहा होता है और कमर्शियल बुनियादों पे बन रहा होता है, और ये जो देने वाले होते हैं ये वॉलंटरीली दे रहे होते हैं, उनको सिर्फ कंटिजेंसी अलाउंस या इनकन्वीनियंस अलाउंस उनके आने जाने का खर्चा और एक दिन की जो छुट्टी करते हैं तो उस छुट्टी के बदले कोई रिन्यूमरेशन होती है, अदरवाइज वो बेचते नहीं है अपने प्लाज्मा। Okay, ये रेगुलर फीचर है, पूरी दुनिया में होता है, और ये हम नया काम नहीं कर रहे हैं, नई बात नहीं बता रहे हैं। और ठीक, और इसमें थोड़ा सा ये समझने की भी जरूरत है, जो ब्लड डोनेट करते हैं और आप जो प्लाज्मा डोनेट करेंगे, ज़ाहिर है दोनों का जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है। ज़ाहिर है ब्लड डोनेशन आप हर 2 वीक बाद नहीं कर सकते, बट प्लाज्मा के लिए आप हर 2 वीक्स बाद डोनेट कर पाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ब्लड के लिए लाल रंग का खून जो एक बोतल में लिया जाता है वो कम से कम भी 3 महीने का वक्फा होना चाहिए हर 2 डोनेशन के दरमियान। और ये प्लाज्मा, और ये कितना एक सेहतमंद प्रैक्टिस है। ये प्लाज्मा जो है वेरिएबल है। हम जो पाकिस्तान में जो हमने प्रपोजल दिया है वो ये है कि अप टू 1 लीटर ऑफ प्लाज्मा विल बी कलेक्टेड फ्रॉम आवर डोनर। ठीक, और 1 लीटर प्लाज्मा निकालने के नॉर्मल सेलाइन कमजोरी ना हो और उसके जिसमें से बहुत सारा लिक्विड जो है वो डिप्लीट ना हो जाए, खत्म कम ना हो जाए। सर ये बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक सेहतमंद शख्स से जब प्लाज्मा निकाला जाएगा और मरीज को दिया जाएगा, एक मरीज को, 2 मरीजों को, 3 मरीजों को, कितनों की जाने बच सकेंगी? ये उसके जिसको लगाया जा रहा है के हिसाब से और बीमारी की शिद्दत के हिसाब से ये फैसला होगा। ओके, अगर छोटा बच्चा जिसका वजन 10 किलो या 20 किलो या 25 किलो है तो उसको एक आदमी के दिए हुए प्लाज्मा से अगर बच्चों को लगाया जा रहा है तो ये शायद 4 या 5 बच्चों को लग जाएगा। अगर किसी का वज़न 100 किलो है या 90 किलो है तो वो एक आदमी को एक ही काफ़ी हो जाएगा। अगर किसी का वज़न 40 किलो है तो एक आदमी का दिया हुआ प्लाज्मा 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, यानी सर ये समझ लें हम कि एक शख्स जो फिजिशियन है, एक शख्स मुतादद लोगों की जानें बचा सकता है, बच्चे हो तो ज्यादा बच्चों की जानें बचेंगे। एक सर आप मुझे प्लीज बात और बताइएगा। जी कम से कम एक, कम एक जरा कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों की जाने आप बचा। बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब। ज़ाहिर आपने तजवीज़ किया इलाज पाकिस्तान में और आपकी गवर्नमेंट से बात हुई, रेगुलेटरी अथॉरिटी से बात हुई, इस आईडी को पेटेंट कराने के बारे में भी सोच रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो आइडिया है ये पूरी इंसानियत के काम आए
और ये जो है लोगों की जानें बचाने के लिए काम आए, इसका मकसद ये है। इसका मकसद, इस आइडिया का मकसद किसी किस्म से कोई पैसे कमाना नहीं है। इस वजह से आइडिया पेटेंट होने का है, ये तो वक्फ कर दिया है जनरल पब्लिक के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। और ये बात है कि ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट्स हैं वो इसको सीरियस लेकर चल रही हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस पर सीरियस हैं। प्लाज्मा वाली बात भी ध्यान में रखिएगा और थैलेसीमिया वाली बात भी ध्यान में रखिएगा, तफसील आपको बताऊंगी ब्रेक के बाद। अच्छा जी, वेलकम बैक। वो तो मैं आपको जो बता रही थी ना वो ये था कि NIBD हो या फिर उमेर सना फाउंडेशन, यहाँ पर खून के अतियात की ज़रूरत है। तो प्लीज़ पीछे ना रहिए, आगे जाएं, आगे बढ़ें और कोशिश ये करें कि उन लोगों को जिन्हें आप जाहिर है थोड़ा थोड़ा सा भूल गए थे ना, उन्हें याद रखें। जो थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं उनमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और सिर्फ यही नहीं, जब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस खुले हुए थे तब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते थे इस सिलसिले में, जो है ना इनके पास में एहतियात इकट्ठा हो जाते थे, लेकिन अब वो लोग परेशान हैं। हमने समा पर, नया दिन पर ख़ास तौर पे इस सिलसिले को में बात की थी, इस मामले को उठाया था, तो फिर उसके बाद में इनके पास डोनेशंस आने शुरू हुए थे, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है, पीछे न रहिए। क्योंकि थैलेसीमिया पेशेंट्स को आपकी हमारी ज़रूरत है और कंटिन्यूसली ज़रूरत है। ये नहीं कि एक बॉटल खून की दे दी तो बस, कंटिन्यूसली आपने देना है। और जैसे किरण आपने थैलेसीमिया पेशेंट्स की बात की, ब्लड डोनेशन की बात की, तो हम इसमें एक बार फिर कह देते हैं कि जो लोग भी सेहत याब हो रहे हैं, याहिया जाफरी ने जब समा से बात की उन्होंने कहा कि हम हाजिर हैं, जो भी सेहत याब हुए उसने बिल्कुल ये कहा है कि हम हाजिर हैं, तो वाकई उनकी हमें अब ज़रूरत पड़ने वाली है। प्लाज्मा डोनेट वो करेंगे तो उनकी वजह से बच्चों की जानें बचेंगी, बड़ों की जानें बचेंगी, यानी जो भी पेशेंट्स हैं उनकी जानें बचेंगी, लेकिन ज़ाहिर है ये उसको लगाया जाएगा जिसमें निमोनिया के अलामात होंगे। एनीवेज़ कोरोना की हम बात करें, कोरोना वायरस किसके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है? एक रिसर्च हमने कुछ दिन पहले भी नया दिन में शेयर की थी कि मर्द ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं और हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मर्दों में सिगरेट नोशी के रुझान ज़्यादा हैं और इसीलिए जरा लंग्स आपके ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं और वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं इस वायरस के हमले के लिए, क्योंकि ये वायरस है जो सीधा फेफड़ों पर असरअंदाज होता है। साइंटिफिक अमेरिकन में शाया स्टडी के मुताबिक सिगरेट नोशी करने वालों के फेफड़े पहले से ही कमज़ोर होते हैं, ऐसे में अगर उनका कोरोना का मरज़ लाहक हो जाए तो उनके लिए इस वायरस से लड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। दूसरी जानब चाइनीज़ मेडिकल जनरल के मुताबिक ख़वातीन की नस्बत मर्द कोरोना से ज़्यादा मुतासर होते हैं। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया डॉक्टर आदिल हैदर साहब ने, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर पहले सिगरेट नोशी करने वालों से मुतालिक बात कर लेते हैं आपसे, क्योंकि ज़ाहिर है इससे पहले हमने रिसर्च भी शेयर की थी कि ये मामला ऐसा है। एक फैक्ट है वो मैं चाह रही हूँ कि उसको थोड़ा सा ना हम उसके ऊपर बात कर लें। ये जो रिसर्च है ना, ये जो सारे के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसकी परसीविंग ये है कि जी हजरात मर्द जो है ना वो ज़्यादा मुतासर होते हैं, वो सिगरेट नोशी हो सकती है और इसके अलावा उनका जो लाइफ पैटर्न है ना, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, वो भी बहुत मैटर करता है, सिगरेट नोशी भी और ये भी। और चूँकि ख़वातीन का जो लाइफ पैटर्न होता है वो ज़रा मुख्तलिफ होता है, मैं ज़रा बेहतर नहीं कह रही, कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो थोड़ी ज़्यादा मोहतात होती हैं, हाइजीन का भी ख्याल रखती हैं, तो इस वजह से वो कम मुतासर होती हैं। जाने उन ख़वातीन की भी गई हैं, कोरोना उनको भी लगा है, लेकिन हजरात की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, परसेंटेज बहुत डिफरेंट है। तो हमने ये कोशिश की आज के हम ख़ास तौर पर इसी फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, सिर्फ हजरात की बात क्यों करें, और अगर हम सिर्फ हजरात ही की बात कर रहे हैं तो फिर हम सिगरेट नोशी के ऊपर ख़ास तौर पर बात कर लें कि ज़्यादा फ़र्क इसी से आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई सिगरेट नोशी क्या मतलब है, हम तो एक ही आधा सिगरेट पीते हैं तो इतना ज़्यादा क्या फिर उसमें टेंशन लेनी, ये तो किया जा सकता है। अब ये जो ख्याल है ना कि मैं बहुत ज़्यादा सिगरेट्स नहीं पीता, मैं तो दिन में एक दो सिगरेट्स ही पी रहा होता हूँ और मैं तो अलहदा जाके पी रहा होता हूँ, क्या ये बात भी, क्या ऐसा ही है कि ऐसे लोग भी कोरोना का शिकार हो सकते हैं, क्या ऐसा ही है कि उनके वो ज़्यादा रिस्क में हैं, और ये कम सिगरेट नोशी और ज़्यादा सिगरेट नोशी और एक पैकेट और एक सिगरेट, बात क्या इससे कहीं आगे है? हम आज ख़ास तौर पर इसी के ऊपर बात करना चाहेंगे, इसी पर गुफ्तगू करना चाहेंगे। एग्जैक्टली, हमें ज्वाइन किया इस वक्त अन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के डीन हैं प्रोफेसर डॉक्टर आदिल हैदर साहब। सर बहुत शुक्रिया। सर मैं स्टैट्स भी देख रहा था वेबसाइट पर कि जो मर्द अगर मुतासर हो रहे थे उनकी रेशो, डेथ रेशो जो है वो 4.7% है और ख़वातीन की 2.8% है। रीज़न सिर्फ और सिर्फ पैटर्न है, लाइफ स्टाइल है, और जो रुझान ज़्यादा है सिगरेट नोशी का वो है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो।
मगर आप जो सवाल पूछ रहे हैं मर्द औरत के बीच में, वो एक्चुअली हमने काफ़ी सालों से देखा है, काफ़ी रिसर्च किया है इसके ऊपर, कि जब क्रिटिकल इलनेस होती हैं, यानी कि लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं तो अमूमन औरतें ज़्यादा सर्वाइव करती हैं कंपेयर टू मैन। एंड ये चीज़ फिर हम कोविड में भी देख रहे हैं, ये क्रिटिकल इलनेस के अंदर औरतें डू बेटर देन मैन, ये एक जानी पहचानी चीज़ है, और ये हम कोविड में जो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं लोग, उनमें भी देख रहे हैं। सर क्यों, ये थोड़ा सा एलेबरेट करें, क्या ख्वातीन की इम्यूनिटी ज़्यादा है? देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं, एक तो ये है कि कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस हैं मेल्स और फीमेल्स में। जो मेरी अपनी रिसर्च है वो कोविड से मुतालिक नहीं है, मैं एक ट्रामा सर्जन हूँ और उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि जो हेमरेजिक शॉक होता है यानी कि ब्लड लॉस के बाद अगर किसी को देखा जाए तो औरतें सर्वाइव बेटर, और उसकी वजह एक ये है कि औरतों में जो ईस्ट्रोजन होता है ट्रामा के बाद वो ब्लीडिंग को कम करता है और इसलिए जो है औरतें सर्वाइव बेटर। अब इसी तरह के मैकेनिज्म्स लाइकली अपेरेंट हैं विद द मेल फीमेल सर्वाइवल रेशियोज और जेंडर डाइमॉर्फिज्म दैट वी आर सीइंग विद द कोविड पेशेंट्स एज वेल। तो एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्यों है ये, मगर अभी इसके ऊपर और रिसर्च हमें पता चलेगा, मगर ये शुरू में हमें देखने में नजर आ रहा है। आपने कुछ लाइफस्टाइल के बारे में पूछा है, हाँ कुछ लोग जरूर कहते हैं कि जी मर्दों का लाइफस्टाइल औरतों का लाइफस्टाइल से डिफरेंट होता है, खासतौर से फॉर एग्जांपल इंक्रीज रेट्स ऑफ स्मोकिंग, वी नो कि स्मोकिंग जो है वो लंग्स को ख़राब करता है, तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली अगर आपको कोविड हो तो वो लंग्स को ही अटैक करता है सबसे ज़्यादा, तो इसलिए लोग कुछ ये भी सोचते हैं, मगर वो सिर्फ शुबहात हैं, उसका भी प्रूफ नहीं है। अच्छा देखिए जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना उसके मुताबिक 70% 40% कुछ इस तरह का हिसाब किताब है, मर्दों में डबल है मामला ये सारे का सारा। अब अगर सिर्फ और सिर्फ बात की जाए स्मोकिंग की या इस तरह के, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी को खुदा ना खास्ता पहले निमोनिया हो चुका है क्या वो भी रिस्क पर रहता है? सिर्फ बात इतनी नहीं है कि वो सिगरेट नोश हैं या इस तरह के कुछ प्रैक्टिसेस हैं, तो अगर वैसे भी किसी को निमोनिया हुआ तो उससे भी तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आगे। जी बिल्कुल, देखिए किसी को भी अगर अंडरलाइंग चेस्ट डिजीजेस हो ठीक तो उनको कोविड के इससे ज्यादा वो ससेप्टेबल चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जाहिर है इस बारे में तो रिसर्च भी है सर, कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो, अगर लंग्स मुतासर हैं, अगर और कोई कैंसर है फॉर एग्जांपल, तो जाहिर है उनके चांसेस ज्यादा हैं। सर प्लीज, क्योंकि वक्त हमें, मैं चाहता हूं क्विकली आगे बढ़ जाते हैं, मुझे ये बता सकते हैं आप कि ऐसी भी रिसर्च आपकी नजर से गुजरी होगी कि दुनिया भर में जिन खत्ों में मलेरिया के पेशेंट्स ज्यादा हैं वहां कोरोना के कम हैं, क्यों? जी देखें अभी इसके ऊपर जो है ना, मुझे पता है बहुत लोग हो ये रहा है कि जो भी पॉजिटिव चीज़ है ना हम उसको देख के कह रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हम पॉजिटिवली देख लें। ओके मगर एक साइंसदान होने के नाते मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अभी इसके ऊपर जो डेटा है वो कन्फर्मेटोरी नहीं है कि मलेरिया वाली जगहों में कम है। उसकी वजह ये नहीं है, उसकी दो तीन वजह है। नंबर वन, जहाँ पे बहुत ज्यादा मलेरिया है वहां पे पता नहीं कि कितनी ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, तो ये नहीं पता कि क्या वहां पे वाकई केसेस कम है या वहां टेस्टिंग नहीं हो रही है, इसलिए पता नहीं। राइट, बिकॉज़ ज़ाहिर है अफ्रीका की अगर बात करें तो अभी वहां पर टेस्टिंग कम है। एनीवे सर, ये लास्टली ये बता दें, क्या पाकिस्तान में जो पेशेंट्स रिपोर्ट हुए उनसे मुतालिक कुछ शेयर कर सकते हैं कि उनमें जो पेशेंट्स रिपोर्ट हुए क्या ऐसे ज्यादा हैं जो पहले से बीमार थे, खुदा ना खास्ता कैंसर पेशेंट में, खान साहब ने भी यही कहा, उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज जैसे किरण कह रहे नमोनिया, ऐसे पेशेंट ज्यादा हैं? देखिए ऐसे पेशेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम्स है पहले से, उनका उनको ये बीमारी ज्यादा बुरी तरह से मुतासर करती है, ये बात बिल्कुल। पाकिस्तान के स्टैट्स हैं सर, पाकिस्तान में क्या ऐसा ही मामला है? अभी तक देखिए स्टैट्स जो हैं तकरीबन रोज रिपोर्ट हो रहे हैं, अभी 1500 से ऊपर केसेस हो गए हैं, और उसमें जो अभी जो लास्ट स्टैट्स नॉट दीस 1500 बट उससे पहले जो फेडरल मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि प्रोपोर्शन ऑफ यंग पेशेंट्स एक्चुअली काफी ज्यादा है, 21 से 40। हमें करना यह लाजमी है कि इस वक्त जो काम हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग पे, हाथ धोने पे, इन चीजों पे, इस पे हमने काम कंटिन्यू रखना है, स्पेशली यंग लोगों में। ठीक, जो यंग लोग हैं यानी 20 साल से 40 साल की उम्र तक, ये बहुत बाहर जाने का इसमें हमको रीजंस भी होती हैं, सिर्फ ये नहीं कि शौक के लिए जाना है, काम पे जाना होता है, ये होता है, होता है। इस वक्त अगर कोई घर से एक शख्स बाहर निकल रहा है तो वो ज़्यादा है, वो नॉर्मली इसी एज ब्रैकेट का है, इसलिए वो ज़्यादा चांसेस इसके भी हैं कि लोकल ट्रांसमिटेड केसेस जो रिपोर्ट ज़्यादा होने उसमें ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है जो कि 21 से 40 तक जिनकी उम्र है। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, और ज़ाहिर है इससे मुतालिक कह रहे थे कि जो दुनिया भर में स्टैट्स हैं, जो रिसर्च हो रही है, जिसने सर ने भी कहा कि जो भी पॉजिटिव हमें पॉइंट मिलता है हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि जाहिर है व्हेन देयर इज पैनिक
when there is frustration, तो उसमें अगर एक भी पॉजिटिव पॉइंट हमें नजर आ जाए तो हम उसको डिस्कस करते हैं। कोरोना की हम बात कर रहे हैं और इस वायरस के खिलाफ आगाही देने के लिए मैदान में आने वाले फनकारों की बात अब कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं, लेकिन वो मेरे पास ना एक छोटी सी खबर okay. से मुताल्लिक ना, अफ्रीकन कंट्री है तो वहाँ पर नहीं है ना कोरोना, तो उनके वजीर सेहत से पूछा गया था तो उन्होंने बताया बस हमारे यहाँ कोरोना इसीलिए नहीं, हमारे टेस्ट नहीं होते। आगे बढ़ के बताना था सर ने भी यही पॉइंट रेस किया था कि जहाँ टेस्टिंग नहीं हो रही वहाँ पे ये मामला। एनीवेज पाकिस्तान में भी वैसे ज़ाहिर जब तक टेस्टिंग स्लो थी तो हम भी यही कहते हैं बहुत अच्छा था, क्योंकि अब थोड़ी सी बेहतर हुई है। हम कहते तो रोज हैं कि इतने हजार किट्स आ गई हैं, हम कहते रोज हैं इतने टेस्ट हो रहे हैं, बट जितनी हमारी कैपेसिटी क्या उतने हमारे टेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, जितने टेस्ट हो रहे हैं उतने पेशेंट सामने आ रहे हैं, तो जितने टेस्ट होंगे तो उस तरह से पता चलेगा। तो देखिए ऑन अ लाइटर नोट बात करते हुए हम लोगों ने किस तरह से यही तो आपका कमाल है ना शुभेंद, ऐसे आप संजीदा गुफ्तगु जो है ना वो गैर संजीदा स्टाइल में, और गैर संजीदा गुफ्तगु संजीदा स्टाइल में कर देते हैं। आदत सी हो गई है, ये फन कहाँ से सीखा आपसे? मैं फनकारों की बात करना चाह रही थी। ठीक है, फनकार बिरादरी की हम बात करें जनाब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जिस तरह इस्तेमाल करें, जब भी मैं शाम में इंस्टाग्राम ऑन करता हूँ ऊपर ना 4-5-6 लोगों की लाइव वीडियोस आ रही होती हैं। हीरा मानी की अगर हम बात कर लें, बड़ा प्यारा कपल और उनकी भी वीडियोज आ रहा है। अच्छा, एक तो ये खुद वो बड़ा इस सेशन में हिस्सा ले रही हैं, साथ साथ वो अवेयरनेस कैंपेन के साथ साथ लोगों की मदद करने का जो जज्बा है वो बड़ा ज़बरदस्त है उनका। और एक इनकी और वीडियो थी आमिर लियाकत हुसैन और तूबा के साथ, वो भी बड़ी वायरल हुई, तो इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया इन्होंने, हमारे साथ हैं जी अभी। हम नहीं कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे बात कर सके। अच्छा, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं उसको काफी लोगों ने पसंद किया, काफी लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन भी शो किया, बहुत सारे लोगों ने कहा बात तो दुरुस्त है, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, ये भी कहा गया। देखिए जब भी हम बात करते हैं मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की, और अगर हम पहुंच जाते हैं गुफ्तगू करते करते फनकारों की जानिब, तो वो हसास दिल भी रखते हैं और बात करने का अलग अंदाज भी रखते हैं। और हीरा और मानी ये एक ऐसा जोड़ा है कि जो लोगों के दिलों में रहता है, और जब ये बात करते हैं तो बात बहुत असर रखती है। कितना असर रखती है, लोगों से पूछा हमने, थोड़ा सा जाना तो अंदाज़ा ये हुआ कि भैया इनको तो लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, इनको तो लोग बहुत चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो हीरा के एक्टिंग स्किल्स हों या मानी का छूता स्टाइल, लोगों को भाता बहुत है। और अब जबकि हम सब ही कोरोना क्राइसिस में हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं खत्ते के दीगर ममालिक भी, सारी दुनिया भी, तो ऐसे में हीरा और मानी अपने स्टाइल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो बात करते हैं, वो अमलन कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर हैं उनको फॉलो किया जाए, वो कोशिश करते हैं कि लोगों को हेल्प करने का अंदाज़ क्या होना चाहिए, किस तरह से हम दूसरों को देख सकते हैं और उनके लिए अमलन कुछ कर सकते हैं। हीरा और मानी इस सब की कोशिश कर रहे हैं। तो जब मैं और शुएब ये ट्राई कर रहे थे कि हम इस वीडियो के ऊपर ख़ास तौर पर इन दोनों को लें, तो इस दरमियान ये हुआ कि हमको ये इशारा मिला प्रोड्यूसर साहब से कि थोड़ा सब्र कर लें हीरा और मानी के लिए, जैसे आप दोनों और बाकी लोग इंतज़ार कर रहे हैं हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्यों ना पहले हम ज़रा कराची ही की बात कर लें और लॉकडाउन का तस्करा कर लें, क्योंकि लोग इससे खासे परेशान हैं। अब 8 दिन गुजर चुके हैं लोग, अच्छा किरण एक तो ज़रा लोग परेशान तो हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये परेशानी जो है ना ये कम है। क्यों कम है? क्योंकि अगर ये परेशानी नहीं उठाएंगे तो आगे आने वाले दिनों में परेशानी बहुत बढ़ जाएगी, तो इसलिए ये परेशानी हमें बहरहाल उठानी है। शहर में लॉकडाउन की सूरत हाल क्या रही? 8 दिन खिलाफ वर्जी की जो सूरत हाल है उस पर खुर्शीद आलम ने रिपोर्ट तैयार की, वो देखते हैं, फिर ज़रा हीरा मानी हमसे हमें ज्वाइन कर लेंगे, हम उनसे बात करेंगे। जी, मैं इस वक्त खुद हूँ कराची की सबसे मशहूर शाहरा एम ए जना रोड पर डेंसो हॉल के मकाम पर, और दिलचस्प बात यह कि इस लॉकडाउन में 8 रोज़ के दौरान कराची में अब तक 1100 अफराद ऐसे हैं कि जिनको हिरासत में लिया गया है, यानी लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने पर, बिला जवाज़ घर से निकलने पर, आवारागर्दी करने पर 1100 से ज़ायद अफराद को हिरासत में भी लिया गया। इस वक्त हम एमेजना रोड पर उस मकाम से गुजर रहे हैं जिसे जामा क्लाथ मार्केट कहा जाता है। तमाम मार्केटें बंद हैं, शहर की तकरीबन 650 से 700 जो बड़ी मार्केट्स हैं वो तमाम की तमाम बंद की जा चुकी हैं, और ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि शहरी घरों में रहें। गुरु मंदिर का ये वो मकाम है कि जहाँ से एक रास्ता लसबेला की तरफ जाता है, और ये जो मेरे पीछे रास्ता है मस्जिद कंजुल ईमान से होकर जहांगीर रोड से गुजरता हुआ,
دین ہٹی کی طرف جائے گا، وہاں سے لیاقت آباد کی طرف جائے گا، اور اسی طرح یہ راستہ کیمرامن مظہر آپ کو دکھائیں گے جو آ رہا ہے، یہ نیو ٹاؤن کی طرف سے آ رہا ہے، جمشید روڈ کی طرف سے آ رہا ہے، گرو مندر یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے ضلع وسطی کی طرف جانے کا راستہ بھی نکلتا ہے اور ضلع شرقی سے ضلع جنوبی کی طرف جانے والے راستے بھی یہیں پر آ کر ملتے ہیں۔ لیاقت آباد میں داخل ہو چکے ہیں اور کراچی کا سب سے مشہور اور سب سے مصروف تجارتی مرکز، کئی ہزار دکانوں کا مجموعہ لیاقت آباد مارکیٹ، اور سب سے اہم بات یہ کہ یہاں صرافہ مارکیٹ بھی ہے، یہاں کپڑا مارکیٹ بھی ہے، یہاں برتن مارکیٹ بھی ہے، کھلونا مارکیٹ بھی ہے، اجناس مارکیٹ بھی ہے، الیکٹریکل آئٹم بھی یہاں پر ملتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ کراچی کا سب سے بڑا کریانہ مارکیٹ بھی لیاقت آباد میں ہی ہے۔ لیکن اس وقت آپ کو لیاقت آباد میں ایک عجیب سی ویرانی اور ایک سناٹا نظر آ رہا ہوگا، اور یہ صرف اس لیے کہ لاک ڈاؤن ہے، کیونکہ کرونا کی وبا نے پاکستان کو اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کو ان کی حفاظت کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں۔ 8 ہفتوں کے دوران شہر میں اسٹریٹ کرائم نہ ہونے کے برابر رہ چکا ہے۔ خود پولیس بھی یہ کہتی ہے کہ اس کے پاس کوئی اس طرح کے بڑے واقعات جرائم کے رپورٹ نہیں ہو رہے۔ یہ سچویشن تھی کراچی کی، اور ظاہر ہے ہم نہ صرف کراچی کی بات بلکہ پورے ملک کی بات ہم کرتے ہیں کہ کہاں پر کیا صورت ہے۔ اینیویز اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے اداکارہ ہرا اور اداکار مانی نے، آپ دونوں کو ہم گڈ مارننگ کہیں گے اور ویلکم کہیں گے۔ ہرا، پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کیسا وقت گزر رہا ہے سیلف آئسولیشن اور سوشل ڈسٹینسنگ میں؟ السلام علیکم، جو مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی بہت سارا سلام۔ سما ٹی وی پہ ابھی ہم لائیو ہیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ اچھی چیز ہے، اچھا ہونا چاہیے، ڈسٹینس ہونا چاہیے۔ تھوڑا پتہ لگا ہے، قدر محسوس ہوئی ہے کہ جب ہم لوگوں سے نہیں ملتے تھے، انویٹیشنس پہ نہیں جاتے تھے، تو میں نے دل کرا تھا کہ کل میں انسٹاگرام پہ لکھ دوں کہ آپ جو پلیز اس کوارنٹین کے بعد مجھے ضرور انوائٹ کرنا، میں ضرور آؤں گی۔ تو یہ ایک ایسی فیلنگ ہے کہ یار جو لوگ بلاتے تھے اور ہم نہیں جاتے تھے، اور اب کہتے تھے یار گھر میں رہتے ہیں، ابھی کون جائے، تو اب وہ تھوڑی فیلنگ ہے۔ کوئی بھی آئیڈیا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، وہ اگر آپ کے پاس ہے نا تو اس کو آپ بڑے ایکسائٹنگ وے میں کرتے ہیں۔ ہم نے تو اب تک اتنے عرصے میں یہی دیکھا ہے، تو یہ بتائیے یہ والا جو ٹائم ہے اس سب کچھ کو ایکسائٹنگ بنانے کے لیے آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ یار میں، ہم لوگوں نے یہ کیا کہ آج سے 5-6 دن پہلے ہم نے اپنا لائیو شروع کیا انسٹاگرام پہ، کیونکہ یہی ہمارا اسکول ہے۔ ہیرا کا انسٹاگرام بڑا ہے کیونکہ میں نے بعد میں بنایا تھا، تو اس کے پاس 3-3.5 ملین لوگ ہیں۔ تو ہم نے جب اسٹارٹ کیا اور ہم نے لوگوں کو انٹرٹین کیا، تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے ٹی وی اسٹارز ہیں پاکستان میں، ایسا اسٹارٹ کرنا شروع کیا، وہ لائیو آ رہے ہیں۔ ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو مانی نے کہا ہیرا ایک کام کرتے ہیں نا، ایک کام کرتے ہیں، تم اپنے جتنے بھی سیلیبریٹی فرینڈز ہیں ان سے بات کرتے، ہم اپنے انسٹاگرام پہ لائیو کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا، پھر میں نے عفان کو کال کی، میں نے کہا عفان، پھر عفان کا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ ان کے کنیکشن کا تھوڑا پرابلم تھا۔ تو اب میں دیکھ رہی ہوں کہ کل میں نے دیکھا کہ کافی زیادہ جو ایکٹر اور ایکٹریسز آپس بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے علی ظفر کو آئیڈیا دیا تھا، میں اب 3-4 دن پہلے جب پہلی دفعہ وہ ہمارے ساتھ آئے تھے لائیو، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بہت پرانے دوست ہیں، کہ ہونا چاہیے لائیو کیونکہ اب یہ ٹائم ہے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا۔ تو کل رات کو ان کا لائیو کنسرٹ تھا۔ لائٹر موڈ پہ نا بات چیت کرنی ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بہت ڈپریشن اور انزائٹی ہو گئی ہے۔ نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ، گھر میں بیٹھ بیٹھ کے واقعی ڈپریشن انزائٹی ہے، اور یہ واقعی آپ بڑا درست کہہ رہے ہیں دونوں، کہ جو سیشنز ہیں بڑے اچھے چل رہے ہیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں، اور ہر جگہ کرونا وائرس کی ڈسکشن۔ اور میرے پاس واٹس ایپ، آپ یقین کریں میں نے 5 دن پہلے واٹس ایپ ڈیلیٹ کر دیا اپنا، کیونکہ مجھے کہیں سے ہونا نہ ہونا مجھے واٹس ایپ سے تو ہو ہی جاتا کرونا، اس قدر میسیجز، ہر چیز میں کرونا کا ذکر۔ تو میں تو بہت زیادہ، میں نے کہا یار میں اگر ٹینشن میں آ رہی ہوں تو پھر لوگ اور کتنا آ رہے ہوں گے۔ تو پھر میں نے کہا چلو اس طرح تھوڑی سی، اور اس طرح ہم نے پھر ڈسکشن کی۔ ایک دن عامر لیاقت ہمارے ساتھ تھے، بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، تو وہ ہم ذرا مذاق کر رہے تھے، ہرا میں اور عامر لیاقت بیگم دوبا بھی تھی، تو وہ اتنی وائرل ہوگی، اتنی وائرل ہوگی کہ پورے پاکستان، کیونکہ مانی وہ عامر لیاقت کہتے ہیں کہ وہ ہماری پرائیویٹ گفتگو تھی، لیکن ذرا لوگ کہتے ہیں وہ پرائیویٹ گفتگو تو نہیں تھی، بیکاز آپ پرائیویٹ، ظاہر ہے آپ لوگ سیلیبریٹیز ہیں، دل کو لگتی بات تھی، بات ساری کی ساری دل کو لگتی ہوئی تھی۔ میں بھی اس طرح ٹانٹ کرتا ہوں، مذاق کرتا ہوں، سرکازم ہونا ضروری ہے، ہیومر ہونا ضروری ہے۔ اب وہ کچھ فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا ایک اینگل دے دیا، لیکن ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ پرائم منسٹر کو کوئی سرکازم ہے، اور وہ برداشت ہر کوئی کر نہیں پاتا۔
हजम नहीं होता सबसे। अच्छा मानी एक बात और बताएं, ये बड़ा डेडली दौर है, आपको बड़ा सोच, पहले हम पॉलिटिकली राइट नहीं होते थे, हम बड़ा खुल के चीजें करते थे, अब बड़ा कुछ टैबलॉइड्स हैं इंटरनेट के जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर भी है, वो आपकी खिंचाई कर रहे होते हैं, फिर कुछ 10,000-1,200 लोग हैं जो कि आपको चेक कर रहे होते हैं कि ये फुफो अम्मा बन के क्या बोल रहे हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं निकलेगी इनके मुंह से, ये उसूली तौर से अब चीजें चेंज हो रही हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं और जा रही है ये, मुझे ये समझाएं आप दोनों, जब आप पहले की बात कर रहे हैं ना, पहले हम खुल के बात कर लेते थे, पहले हम लोग बड़ी आसानी से एक दूसरे का मजाक उड़ा लेते थे, अब जो है ना वो बुलिंग स्टार्ट हो जाती है, अब कोई आपके सिटी में नहीं है, आपके कंट्री में नहीं है, लेकिन वो बड़ा इजीली आपके ऊपर कमेंट कर देता है और कुछ भी कह देता है, तो मुझे आप दोनों से इसका जवाब चाहिए। नहीं, मैं बताती हूँ, मैं क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट कर रही हूँ और करना चाहिए, और आपको बोलने का मैं बहुत राइट देती हूँ, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं या जितने भी लोग हैं, और जिस दिन डे वन से जब से मैं टीवी पे काम कर रही हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स लोग करते हैं, कुछ कहते हैं कि मानी की पर्ची ये है, कुछ कहते हैं कि जो है वो मानी का मेल वर्जन है, कुछ कहते हैं कि इसको यू नो, तो मैं लगाएंगे कैसे, आप तो दोनों इतने भले से प्यारे हैं। मैं कहती हूँ आपको क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना चाहिए, कोई बात नहीं, और लोगों कहीं तो बोलेंगे ना, लोग इस कदर महंगाई टैक्सेस इतना बढ़ गया था, तो मुझे लगता है कि मैं अपना इंस्टाग्राम पे छूट देती हूँ, मैं कहती हूँ आए करें नेगेटिव, लेकिन मैं उल्टा हूँ, मेरा उल्टा है, टका के कहता हूँ सामने आओ बात करो, आओ सामने आओ बात करो, मुझे उस बंदे, अच्छा 90% लोग तो फेक आईडी से करते हैं, इंटरनेट की खास बात यह है कि मैं 10 आईडी मैं बना के आपको उड़ा दूं, और एक ट्विटर ट्रेंड तो मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ रहा हूं, मेरा बड़ा एक ताल्लुक रहा है, ट्विटर ट्रेंड तो यूं बन सकता है, आपके 2,000-5,000 आईडीज बनी होती थी, टिक 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 करके आपको ट्विटर ट्रेंड बन जाता है, तो ये तो सब मैंने देखा हुआ है, ये तो कोई गेम नहीं है, इंटरनेट पे आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसके बावजूद दोनों खुद बहुत अच्छे हैं, वी डोंट नीड अ टीम एक्चुअली। अच्छा ये हां नहीं, मैं थोड़ा डेडली टीम हूं, हीरा जरा, मैं जरा बैड कॉप हूं, हीरा गुड कॉप है, तो हम लोग जरा उस तरह एक और एक 11 है ना, हमें माशाल्लाह ब्यूटीफुल माशाल्लाह। तो हुआ ये कि जब ये किया, मैं बैंकॉक में था, फिल्म की शूट कर रहा था इशरत की, हीरा जो थी अपना मेरे पास, तुम हो कि वो मीट एंड ग्रीट करी थी अमेरिका में, ये आज से कुछ 10-12 दिन पहले की बात है, तो वहीं पे हीरा ने डिसाइड किया, हीरा ने जब क्लिप्स आनी शुरू हुई और क्वारंटाइन की भी बात चल रही थी, तो हीरा ने मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम ऐसे लोगों की मदद करें जो बेचारे दिहाड़ी वाले हैं, डेली वेजेस वाले हैं, तो अभी हम सोच ही रहे थे कि हम पाकिस्तान आए, और पहले तो हमने जाके वो कोरोना टेस्ट कराया जो कि बड़ा आजकल हवा बना हुआ है, तो वो नेगेटिव शुक्र है आया हम दोनों का, और उसके बाद फिर हमने एक छोटी सी एफर्ट शुरू की है पिछले 5-7 दिन में, जो कि बड़ी अच्छी चल रही है, हमारे अपने लेवल पे कुछ हमारे दोस्त हैं, असल में हम अपनी मदद खुद, आप सुना होगा आपने ये जुमला, तो ये बहुत छोट, मैं और मानी, हम ये एक बड़ी छोटी सी टीम है, और हम लोग जितना हम अपनी कैपेसिटी में रह के जितनी चीज कर सकते हैं हम उतनी कर रहे हैं, लेकिन ये कि अगर लोग हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अब आज जो है वो मेरा थर्ड बैच निकलेगा, फोर्थ बैच, देखिए मुझे तो फोर्थ बैच निकलेगा, और इंशाल्लाह आज जो है वो काफी ज्यादा बैग्स हमने बनवाए हुए वो फिर, लेकिन ये कि ये बस अल्लाह ताला ने कराया है, और मैं कहती हूँ कि ये एक ऐसा दौर है, ये बहुत परेशानी वाला वक्त है, हम लोग तो चलो, मैं अपने बच्चों, जब से बच्चे पैदा हुए तब से ज्यादा मेरा दिल नर्म हो गया, जब से मैं माँ बनी हूँ, कि जब आपकी औलाद होती है ना, फिर आपको एहसास होता है किसी और की औलाद का भी, जब तक मैं माँ नहीं थी या मैं सिंगल थी, मुझे इन चीजों का इतनी डेप्थ में इतना मुझे इल्म नहीं था, लेकिन जब ऑब्वियसली जब और बच्चे के साथ कुछ हो ना, या बच्चे कहीं मुझे दिख जाए भूखे या और इधर उधर फिरते हुए, तो मेरा दिल ना बहुत ज्यादा, तो अगर ये मैं कुछ जिंदगी में कर रही हूँ तो मैं अगर मान कर रही है जब ही कर रही है, बिल्कुल क्विकली मुझे बताइएगा, आजकल बच्चों को ज्यादा टाइम आप दे रही होती है या बाबा दे रहे होते हैं, मानी दे रहे होते हैं? प्ले स्टेशन को वो टाइम दे रहा है जो माँ बाबा को देना चाहिए, लेकिन नहीं, घर में है, बातचीत कर रहे हैं हम लोग, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ टाइम पढ़ाई का भी होता है, लेकिन बच्चों को लग रहा है छुट्टियां हैं, लेकिन ये वो वाली छुट्टियां हैं जिसमें वो बाउंड हो गए हैं घर के अंदर, बिल्कुल कुछ नई नई चीजें हमें इनोवेटिव, ये बड़ा मसला है कि इस वक्त जो बच्चे घर में, हीरामानी दोनों से मेरा सवाल है कि बच्चे बहुत परेशान है, बच्चे अब कहते हैं बाबा पार्क जाना है, बाहर जाना है, खेलने जाना है, तो भाई तो भाग जाए, जल्दी स्कूल खुल जाए, जल्दी कोरोना भाग जाए, या अल्लाह
हाँ बच्चों ने जो है वो बेचारे मुजम्मिल ने, कल इब्राहिम मुझे इतना मासूम भी लगा, कल 3 बजे से 3:30 बजे से रात को मुझे कह रहा है कि मम्मा जरा पिज्जा ऑर्डर करें। मैंने फिर उसको ऐसे देखा, मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कहना कि नहीं नहीं एक काम करे KFC मंगा ले। मैंने कहा अच्छा ठीक है ओके। फिर मैं उसको ऐसे देख रही थी इसमें क्या चीज समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे आप बना के दें उनको। अब कुछ नहीं है ये, अब ये सब नहीं है बेटा, अब जो है वो मैं तुम्हें पराठा बना रहा हूं। मैंने बनाया कीमा आलू कल, आपको दिखाई दे कीमा आलू बनाया है घर में। फिर मैंने रात को सबको नसीहत मिली इससे बनाया। थैंक यू सो वेरी मच। आप दोनों हमारे साथ हैं, आप बहुत प्यारे, बहुत भले, और जो काम आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्विकली ब्रेक लेना होगा। बिल्कुल जी, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, अभी बहुत से मौजूद बाकी हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात करते हैं बरतानिया की, जहां पर कोरोना वायरस के फैलाव में मजीद तेजी का खदशा है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन कहते हैं कि सूरत हाल मजीद खतरनाक हो सकती है, जबकि बरतानवी माहिर सेहत का कहना है कि मुल्क में हर सूरत जून तक लॉकडाउन करना होगा। अच्छा जी, इसी सिलसिले में आपको बता दें कि जो उनके सीनियर हेल्थ चीफ हैं नील फर्गुसन, उन्होंने कहा कि अप्रैल में कोरोना वायरस एक नई इंतहा को छू सकता है, ऐसा हो सकता है, और इस सब के बाद मुल्क भर में 5,700 अफराद लुक्मा अजल बन सकते हैं। बरतानिया में बदतरीन सूरत हाल से निमटने के लिए 3 माह का लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर लॉकडाउन को उठा भी लिया जाए तब भी लोगों को आने वाले कई माह तक सामाजिक दूरी इख्तियार करनी होगी, ऐसा करना पड़ सकता है। कोरोना वायरस का मस्बत टेस्ट आने के बाद खुद सख्त तन्हाई में मौजूद बोरिस जॉनसन, उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो सख्त तर पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि वो उस कदर मोहतात नहीं थे जितना उनको होना चाहिए था। तो सबको मोहतात होना चाहिए, जब एक प्राइम मिनिस्टर मुतासर हो सकते हैं तो इमेजिन कीजिए एक नॉर्मल शहरी कितना ज़्यादा वल्नरेबल है, ससेप्टेबल है। एनीवेज, कोरोना के खौफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए हैकर्स ईमेल अकाउंट्स हैक कर रहे हैं, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। दुनिया में जैसे ही कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, हैकर्स ने सैकड़ों मुजरिमाना कार्रवाइयाँ करते हुए लाखों के हिसाब से ईमेल्स भेजी। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के माहिरों का इन कार्रवाइयों में तेज़ी का ताल्लुक COVID-19 से साफ नज़र आता है, और इसकी शिद्दत गुज़श्ता कई बरसों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। साइबर जराइम करने वाले मुख्तलिफ ज़बानों में अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, इतालवी, जापानी और तुर्की की जो लैंग्वेज है, इसमें ईमेल्स भेज कर लोगों को सनतों, ट्रांसपोर्ट, सेहत, इंश्योरेंस, मेज़बानी और तजारती इदारों को निशाना बनाया गया है। यानी सबको ही उन्होंने हिट करने की कोशिश की है। तो बी वेरी विजिलेंट, ऐसी ईमेल से आप ज़रूर होशियार रहिए। और यही नहीं, बाकी एक बार फिर कह रहे हैं हम, जितनी एहतियात है उसको ज़रूर मेक श्योर कीजिए, क्योंकि कोरोना फैल रहा है। अगर हम अब जहलम का तस्करा कर लें, अफसोसनाक खबर है जी, कोरोना ने जहलम की रिहायशी की जान ले ली, जहाँ बहुत शख्स के अस्पताल में ज़ेर इलाज था। और अब जो पाकिस्तान में कोरोना वायरस से हलाकतें हैं, सबकी तादाद 18 हो गई है। ये जो ताज़ा वाक़या है, ये जहलम में रिपोर्ट हुआ है, वहीं पर ऐसा हुआ कि जहलम के रिहायशी की जान गई है। रावलपिंडी के अस्पताल में ये ज़ेर इलाज थे, कोरोना पॉजिटिव, पहले टेस्ट हो जाना, उसके बाद में इनका अस्पताल तक पहुँचना, वहाँ पर इनका एडमिट होना। अभी इस सब की तफसील हम कोशिश करेंगे जाने। इम्तियाज़ बेग हमारे साथ हैं। इम्तियाज़, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बताइएगा, उम्र क्या थी इनकी, कुछ इस सिलसिले में मालूम हो सका है? जी, ये दीना का रहशी है, पाकिस्तानी नियाद बरतानवी है अब्दुल अजीज़, जो तकरीबन 20 दिन पहले बरतानिया से पाकिस्तान आए थे, और उन्होंने आते ही अपने टेस्ट करवाए थे जो पॉजिटिव आए थे, और वहीं पर वो रावलपिंडी सरकारी अस्पताल में एडमिट हो गए थे, और रात उनका इंतकाल हो गया है। इस वक्त जो दीना में उनका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है नमाज फजर के बाद, और उनकी तदफीन भी वहीं दीना उनके आबाई कब्रिस्तान में कर दी गई है। और इनकी जो उम्र है वो तकरीबन 60 और 65 साल के दरमियान थी, और उनके जो बाकी जो रिश्तेदार हैं उनके भी टेस्ट लिए जा रहे हैं, जिन जिन से उनकी मुलाकातें हुई थी। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। जहलम की मजमूई सूरत हाल क्या है इम्तियाज़? क्योंकि ज़ाहिर है पहले भी यहाँ पर केसेस रिपोर्ट हुए हैं और काफ़ी लोगों के टेस्ट हुए और होने थे, शेयर कर सकते हैं कितनों के हुए थे और कितनों के होने हैं? शोएब, ये तकरीबन जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो सूरत हाल है वो तकरीबन 2,700 के करीब जो है वो मुशतबा अफराद के टेस्ट लिए गए थे, और अभी तक जो
कन्फर्म केसेज हैं वो 21 हैं, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक ये 28 हो चुके हैं, लेकिन 28 की अभी यानी अभी रिपोर्ट्स सारी नहीं आई, दैट इज़ द रीज़न के ज़ाहिर है अभी हम जो कन्फर्म फिगर है वो शेयर नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साथ आप मौजूद थे। कोरोना के असरात, कराची में दूध की फ़ी लीटर कीमत इस वक्त तो 90 रुपये है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कीमत और कम नहीं होगी, बल्कि खदशा ये है कि 200 रुपये तक पहुँच सकती है। सदर डेयरी फार्मर एसोसिएशन शाकिर उमर साहब ने कहा है कि कोरोना और पाबंदियों के बायस जो पैदावार है उसमें कमी हुई है, मज़ीद कमी हो सकती है। पंजाब और अंदरून सिंध से जानवरों का ना आना, फार्मर्स को चारा ना मिलना कम से कम 20 लाख लीटर पैदावार की कमी का बायस बन रहा है। यही नहीं, हाल सप्लाई मुतासर होने के बाद शहर में दूध की कीमतें बढ़ने का इम्कान है। इसी पर हम बात करेंगे, शाकिर उमर साहब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। सामकुम सर, कैसे हैं? सर अभी तो सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल, काफ़ी बेहतर है कि ज़ाहिर है जहाँ पर एक आम सारफ जाता है दूध लेने के लिए तो फी लीटर 90 रुपीज़ उसको मिल रहा है, 85-90 रुपीज़ मिल रहा है, कहीं पर इससे भी कम मिल रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 200 रुपये तक चली जाएगी कीमत। देखें जी, असल में शहर में 90 रुपीज़ जो भी किया उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए, ओके कीमतें वही हैं जो थीं और वही रहेंगी, और उसमें मज़ीद भी इजाफा होगा कोरोना के ये लॉकडाउन के फौरी बाद तकरीबन 20 रुपये लीटर तक का। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ हम खड़े हैं, इंशाल्लाह ताला कोरोना को शिकस्त देंगे। बहुत अच्छी बात है। पर बहुत ज़रूरी ये है कि हम पूरे होमवर्क के साथ ये लॉकडाउन करते, हम डेयरी सेक्टर को, पोल्ट्री सेक्टर को मद्देनजर रखते और उसकी दूध की तरसील और उसकी फरोख्त को यकीनी बनाते। और सबसे बड़ा मसला यही है, सबसे बड़ा मसला आपके नज़दीक ये है कि तो उसको ट्रांसपोर्ट करना, फिर ये कि जब शॉप्स बंद होगी, रेस्टोरेंट्स बंद होंगे तो उसका इम्पेक्ट भी है। इस वक्त जो आपका दूध का कंज्यूमर है वो एक घर का फर्द ही रह गया है, फैमिलीज रह गई है, कुनबे रह गए, बिल्कुल कमर्शियल नहीं जा रहा। जी जी, ये प्रॉब्लम है। जी जी, अभी चूंकि देखें कैफेज़ वगैरह बंद हैं, तकरीबन 10-12 लाख लीटर इनमें दूध लगता था, बाकी दूध की दुकानों की जो इन्होंने टाइमिंग कम की है तो उसकी बुनियाद पे भी दूध की खपत कम हो रही है। और कुछ लोगों ने, जैसे कि जो लोग ताज़ा दूध इस्तेमाल करते थे, जो कोरोना का खौफ है, जो इसलिए आइसोलेट लोग भी कर रहे हैं, उन्होंने डब्बा बंद दूध भी अपने घरों में लेके रख लिया। That's ये right. भी उसकी वजूहत है। ठीक है शाकिर साहब, मुझे दोबारा से बताएंगे आप, क्योंकि अभी आपने कहा कि 20 रुपये इजाफा हो सकता है, लेकिन आपके वीडियो में 200 रुपये था, थोड़ा सा क्लियर करें। जी जी जी, मैं क्लियर आपको कर दूँ। देखिए हमारे यहाँ दो निज़ाम है दूध के, ओके, एक है जो सालाना बंदी का निज़ाम है, एक है ओपन दूध मंडी जो डिमांड एंड सप्लाई का तायुन करता है। डिमांड एंड सप्लाई की जो ओपन दूध मंडी है, क्योंकि आपके पास तलब ज़्यादा होगी, रसद कम होगी, दूध की पैदावार हम चाहते हुए भी नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सरमाया नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि अब जो जैसे हमारी 2000 हम दूध देने वाले मवेशियों को और अपने कैटल्स को स्लॉटर कराते थे कराची की गोश्त की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, अब नया जानवर आपके पास आ नहीं रहा, पैसा आपके पास दुकानों से नहीं आ रहा, आप वो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं चारे की मद में, तो वो आप समझ सकते हैं कि उससे आपकी दूध की पैदावार कम होगी और फार्मर की कुव्वत खरीद कम हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अभी आपने कहा था कि लॉकडाउन करने से पहले इस शोबे को नहीं देखा गया जी, तो अब ये बताइए, देखिए लॉकडाउन ज़रूरी है, इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, तयशुदा बात है, तो अब ये बताइए कि आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से, या फिर यूँ इसको ऐसे देख लें कि आपके पास तजावीज़ क्या है इस सिलसिले में? देखें जी, उस सिलसिले में जिस तरह दीगर शोबों को देखा गया है, तमाम चीज़ों पे इन्होंने दोबारा डेयरी सेक्टर के हवाले से भी दोबारा नोटिफिकेशन किए हैं CM साहब ने। जैसे ही इनका नोटिफिकेशन आता था मैं इन्हें ईमेल करता था, और फिर CM साहब के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं या कमिश्नर साहब मुझसे रबते में आते थे, और बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन तो अच्छी है। जी जी जी, और फिर नए नोटिफिकेशन करते थे, फिर अगले दिन नया नोटिफिकेशन आ रहा है तो वो कैंसिल हो जाता था पिछले दिन वाला, तो उसमें ख़राबी रही। और पूरा चूँकि होमवर्क पूरा मैं समझता हूँ नहीं था, तो कहीं पुलिस ने गाड़ियाँ रोकी, कहीं आगे रेंजर्स ने दुकानें बंद की। अब कैसे, जैसे कि कल कराची भर की दुकानें दिन के वक्त भी बंद करा दी। कितने बजे? कल 10-11 बजे न्यू कराची की तमाम दुकानें रेंजर्स की जानिब से बंद कराई गई। क्योंकि ये देखिए, ये तो हुकूमत की तरफ से क्लियरली कहा गया ना कि 5 बजे तक दुकानें फिलहाल के नोटिफिकेशन के मुताबिक खुली रहेंगी। मुझे प्लीज़ आप ये बताएं कि मसला कहां कहां पर आया है, जब आप हम ये बात करते हैं कि सरहद बंद है हमारी पंजाब और सिंध की, तो इस सरहद के बंद होने से आपकी इस सनत को नुकसान पहुँच रहा है?
जी ये तो जाहिर सी बात है, नुकसान पहुंचने की बात ये, इससे हम अपनी पैदावार नहीं बढ़ा पा रहे, हमारा जानवर नहीं आ रहा, चारा हमारा वहां से आ रहा है, पर चारा हमें पूरा करने के लिए हमें अपने जानवर जो स्लॉटर करा रहे हैं, दूध की मद में जो पैसा आता था उससे हम चारे के पैसे पूरे करते हैं। देखिए जब तक ये लॉकडाउन है ना, तब तक एक बात तो जहन में रखनी होगी, अगर अथॉरिटीज सिचुएशन देखती है वर्स्ट होते हुए तो वो दिन के किसी भी हिस्से में आके बंद करवा सकती है सब कुछ। ठीक है, ठीक है, ये तो आपको ज़हन में रखना होगा। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो इस मामले में तो आप लोगों को खुद को स्ट्रेटेजी बनानी होगी, ना कि आप हुकूमत पे रिलाई करें। अगर वो एक एरिया में ये देख रहे हैं, इसको ऐसे देख लीजिए ना, अगर वो एक एरिया में ये देख रहे हैं कि भीड़ जमा हो रही है, धक्के पड़ रहे हैं एक दूसरे को, वो उस एरिया में सख्तियां करेंगे, वो वहां मार्केट बंद करेंगे। तो अब आप ये बताइए कि वो सिचुएशन अगेन में उसी पर आती हूँ, वो सिचुएशन हो या फिर ये सिचुएशन हो, इसके लिए आपके पास में एक अच्छी सी तजवीज़ होनी चाहिए, वो क्या है? देखें जी, मैं आपको बताऊं, कोरोना हमारी ज़िंदगी में तरतीब ले आया, हमने फासले बना लिए हैं, जैसे कि दूध की दुकानों पर धक्कम पेल जो होती थी वो अब ख़त्म हो गई है और बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है। तो जिन दुकानों पर जिन जगहों पर धक्कम पेल थी, अच्छा दूध फरोख्त होता था, वहाँ पर यह सूरत हाल पेश आई है। न्यू कराची की बड़ी दुकानें बंद कराई गई हैं कि जी रश ख़त्म करें, उसकी बुनियाद यही रही है। सही कह रही हैं आप बिल्कुल, पर बहुत ज़रूरी है कि उसमें इंतज़ामिया को हमारी मदद करनी चाहिए। कैसे कैसे? जैसे कि पुलिस मोबाइल ने जहाँ पर रश लगता खड़े हो जाए, तरतीब बनाने में हमारी मदद, काफ़ी जगह पर पुलिस ने किया, रेंजर्स ने काफ़ी एक्टिव काम किया। तो जी माशाल्लाह तमाम इदारे एक दूसरे के साथ तावुन कर रहे हैं, अवामुन नास भी कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा करते हैं हम, इंशाल्लाह कि हम इस कोरोना को शिकस्त देंगे। तो मैं मीडिया से भी यही उम्मीद करता हूं कि आप हमारा साथ देंगे डेयरी सेक्टर की बेहतरी के लिए। तो ये खबर लेकर आते हैं, मैं इतना महंगा करने वाला हूँ, आज आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। नहीं जी, वेरी नाइस ना? ये तो एक कौम बन के इससे निमटना होगा ना हमें, और इससे शाकिर साहब, अगर सिचुएशन ऐसी ही रहती है, लॉकडाउन ऐसे ही रहता है और ये मसाइल ऐसे ही रहते हैं, कोई हल है जो कि प्रपोज किया जा सके कि दुकान ख़त्म, घरों में दूध पहुँचे और इस तरीके से पहुँचे कि ख़तरा भी ना रहे, कोरोना का ख़तरा भी ना रहे? असल में जी ऐसा मुमकिनात में से है। अच्छा। आपके मेरे जो पहले शुरू के प्रोग्राम थे, पिछले साल हमने 50 से ज़्यादा दूध के ब्रांड लॉन्च किए हैं और वो लोगों के घरों में पहुंचा रहे हैं। मेरा खुद ब्रांड गुज्जर डेरीज के नाम से, तो मैं आपको बता दूं कि हम घरों में पहुंचा रहे हैं, पर मैं मैं आपको बता दूं कि जी इतनी बड़ी तादाद में घरों पर दूध पहुँचाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जब कॉस्ट बढ़ जाती है तो कुव्वतें खरीद नहीं है लोगों में, तो बहुत जरूरी है कि हम सस्ता दूध लोगों को फराम करें, अच्छा दूध फराम करें। बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा है। अच्छा देखिए, अब आप इतने अच्छे ख्यालात का इजहार भी कर रहे हैं ना, दूध ज़ाया हो जाए इससे बेहतर नहीं है कि उसको आप हुकूमत के सामने कोई ऐसा प्लान रख दें कि जी ये आप हमसे दूध लीजिए, इतने रेट पे लीजिए, और फिर उसके बाद में जिस मेहनत कश तबके के लिए आप इतने परेशान हैं ना, आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, लेकिन आप हमसे मार्केट से इतने कम पे ले लें। असल में जी देखें, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो दीगर मसाइल में कोरोना में उलझी हुई है, इस सिलसिले में हमसे NGOs ने रابطہ किया, बहुत शुक्रिया मौलाना बशीर फारूकी साहब का, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने हमसे रابطہ किया, मेडिसन मार्केट के चेयरमैन साहब ने हमसे रابطہ किया, और आज तमाम चीज़ें वो हो जाएंगी जो दूध ज़ाया हो रहा है कम कीमत, वो उन्होंने कहा जिस कीमत आपका ओपन दूध मंडी में फरोख्त होता आप हमसे पैसे लें और हमारी मदद करें दूध तकसीम करने में, पैक करेंगे उस दूध को और फिर घरों तक पहुँचाएंगे। जी वो पैक करने में हम मदद करेंगे उनकी, क्योंकि वो अगर टंकियों में दूध लेके जाएंगे तो वो तरसील नहीं कर पाएंगे। एक मिनट, इसको मुझे थोड़ा सा ऐसे ना थोड़ा सा ब्रीफ करके बताएं, वो दूध जो खुदा न खास्ता जाया हो सकता था, आप NGOs के साथ मिलकर किस तरह से लोगों तक पहुंचाएंगे? वो उसकी पैकिंग करेगी एसोसिएशन, पैकिंग करके चिल्ड करेंगे पहले उसे, उसके बाद उसकी पैकिंग करेंगे, फिर उन्हें जिस NGO से भी हमारी बात जैसे कि अब चल रही है वो मंजिल तक पहुँचेगी इंशाल्लाह, लोगों के घरों में हम तरसील करेंगे। हमने अपने तौर पे ये काम शुरू कर दिया है, एसोसिएशन के तौर पे राशन की सप्लाई हमने कोरोना के टेस्ट लेबोरेटरीज के साथ मिलके एसोसिएशन कर रही है, और जो राशन की तकसीम वगैरह तमाम चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो फिर हम क्यों ये बात का आगाज़ यहाँ से किया कि दूध की कीमत 200 रुपये हो जाएगी? ये तो जी इसमें कोई दो राय नहीं है, दूध की कीमतें बढ़ जाएंगी और ये चीज़ें आपको तस्लीम करना पड़ेंगी, इंसान को बहुत हकीकत पसंद होना चाहिए। और प्लीज़ सॉरी, आई एम सॉरी, बात आपकी कट रही है, ये बताइए कि अगर कुछ ऐसे स्टेप्स ले लिए जाते हैं जैसे कि आपको चारा वहाँ से मिलने लग जाए, पंजाब से सामान की तरसील हो जाए, मरहलावार हो, सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, तो ये मामला सुलझ जाएगा, तो फिर ये मामला ऐसे नहीं होगा? चारा हम तक पहुँच रहा है, कराची पुलिस ने बहुत हमारी मदद की है, हमारी गाड़ियों को नहीं रोका, तमाम DIGs मेरे रबते में,
कमिश्नर साहब मेरे रابطے میں چارہ آ رہا ہے اصل میں چارے کی قیمت ہمیں جانوروں کو سلاٹر کرا کے دینی پڑ رہی ہے دودھ کو فروخت کر کے اس کی قیمت ہمیں حاصل نہیں ہو رہی دکانوں سے آپ کو جی جی میں نے اپیل تو بک رہا ہے کل میں نے اپیل کی نہیں جی دودھ بہت سارا خراب ہو رہا ہے جو جو گھر کی ضرورت ہے وہ تو پوری ہونے کے لیے لوگ لے رہے ہیں دودھ اب دیکھیں جی کیفیز بند ہونا ایک بات جو 15 لاکھ لیٹر یا 12 لاکھ لیٹر کیفیز پہ جاتا تھا اس کی قیمت تو ہمیں نہیں مل رہی نا اب دیکھیں جب دکاندار سے مڈل مین کو پیسہ ملے گا مڈل مین فارمر کو دے گا فارمر کو جب پیسہ نہیں مل رہا تو وہ کہاں سے پورا کرے گا چارہ تو بے زبان جانور نہ مویشی نہ کھا نہیں کھانا ٹھیک ہے ذرا یہ تو ایک معاملہ ہے دودھ کا ایک چلتے چلتے کامنٹ مجھے ذرا پولٹری سیکٹر سے متعلق بھی کر دیجیے وہاں اس پہ کیا مسائل ہیں دیکھیں جی پولٹری سیکٹر کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کو انتہائی سنجیدہ ہو کے سوچنا پڑے گا پولٹری سیکٹر تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے جہاں تک میرے اس میں کیا ایشوز ہیں دیکھیں جی اس میں بھی یہی اسی قسم کے ایشوز ہیں کہ اس کے سلسلے میں تو آپ پی پی اے سے بات کریں پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن تو خلیل ستار صاحب کو بلوا لیں یا دیگر کو آپ بلوا سکتے ہیں میں اس پہ کوئی بات کروں وہ مناسب نہیں ایشوز وہاں پر بھی ہیں بہت زیادہ ایشوز ہیں شاکر صاحب شکریہ آپ ساتھ موجود تھے اور دودھ کی قیمتیں بڑھ سکتی کے مسائل ہیں بٹ اگر یہ ایشوز ایڈریس ہو جائیں ٹائملی ایڈریس ہو جائیں جو کہ گورنمنٹ اور ادارے کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ ہو نہیں رہا تھوڑا سا سلو پروسیس ہو سکتا ہے تھوڑے سے ایشوز ہو سکتے ہیں بٹ ایسے ایشوز نہیں ہیں جو کہ ڈسکس نہ ہو یا سالو اور اس سارے قصے میں کچھ اچھے انیشیٹوز بھی ہیں وہ بھی آج ہم نے ڈسکس کیے بٹ ڈونٹ وری ہم اس کے اوپر اور بھی بات کریں گے فی الحال ہم آپ کو کچھ سکھا دیتے ہیں کچھ نئے آئیڈیاز دے دیتے ہیں کرونا ہے لاک ڈاؤن ہے لوگ مختلف طریقے اپنا رہے ہیں ٹائم کو اسپینڈ کرنے کے تو ہمارے پاس ایک انوکھا اسٹائل سامنے آیا ہمارے پاس پنجاب کے نوجوان کیا کریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور اگر شٹل کو نیچے گر گئی تو لینے کون جائے گا جب جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ جائے گا وہ جائے گا یا تو کوئی راہگیر ہو تو وہ بھی اچھال سکتے ہیں اگر راہگیر ہو تو اوکے اینی ویز کرونا کے باعث کھیل کے میدان بند ہیں تو کیا ہوا انٹرنیشنل کرکٹرز انہوں نے گھر کو ہی میدان بنایا منفرد انداز میں کرکٹ کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے ہیں ذرا بیڈمنٹن سے کرکٹ تک اچھا ہے آپ فوراً آئے ہو نا دکھاتے ہیں آپ کو یہ تو مجھے بھی کرنا ہے چیلنج ہی دیا انہوں نے آپ کو کھلا چیلنج تو نہیں تھا بس ویڈیو ہی تھی میں کوشش کروں گی ٹرائی کروں گی اس طرح کرنے کی بٹ ہر کسی نے ٹرائی نہیں کرنا یہ نوائز ٹرائی کرنے کے چکر میں ٹی وی بھی توڑ دیں آپ فریج کا بھی نقصان ہو بتی بھی میرا مطلب لائٹ ٹوٹ جائے تو یو نو کوریڈور میں کر کے دیکھتی ہوں وہ سیف ہے وہاں پر کچھ اس طرح کر آپ یہاں کر لیجیے یہاں ہاں ٹھیک ہے ادھر ٹرائی کرتی ہوں اپنے پڑوسی کے اوپر میں کیچ کر کے واپس بھیج دوں گا تو بھائی ہم نے تو یہ ویڈیوز ٹرائی کرنے کی تیاری کر لی ہے ویسے کرونا وائرس کو ٹیکنالوجی سے کنٹرول کرنے کی تیاریاں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں قومی آئی ٹی بورڈ منفرد ایپ تیار کر رہا ہے 3 میٹر کے قریب مشتبہ شخص پایا گیا تو موبائل پر الرٹ آ جائے گا اس ایپ کے ذریعے مشتبہ افراد کا ڈیٹا اور کن سے ملا ہے یہ سب کچھ پتہ چل جائے گا نا کہ کیا کیا کہاں کہاں گئے کیا کیا کچھ رہا کتنے گھوم پھر کے آئے نے اچھا کمال ایپ ہے کمال آئیڈیا ہے اور بہت ضروری ہے بالکل حسب حال ہے تو سی ای او نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی شباہت علی ہمارے ساتھ ہیں اسی بارے میں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سے پہلے یہ فرمائیے کرونا کے مشتبہ افراد کو ٹریس اینڈ ٹریک کرنا اس کے لیے نیشنل آئی ٹی بورڈ نے کیا حکمت عملی بنائی ہے دیکھیں نیشنل آئی ٹی بورڈ نے جب سے یہ کرونا کا پینڈیمک جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوا ہے ہم نے ایک سب سے پہلے کنسولیڈیٹڈ ایک ڈیٹا بیس جو کہ منسٹری آف ہیلتھ کی اونرشپ میں ہے وہاں پہ ڈیٹا کنسولیڈیٹ کرنا شروع کیا ہے اور وہاں سے ڈیٹا جو ہے وہ ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ نیئر ریئل ٹائم پہ جو covid.gov.pk کا ڈیش بورڈ ہے اس کے اوپر پروجیکٹ کیا جائے ڈیٹا تو ہمارے پاس اکیومولیٹ ہو رہا ہے کنسولیڈیٹ بھی ہو رہا ہے اب سیکنڈ جو فیز میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایپ ایسی بنائی جائے جو کہ لوگوں کو ٹریس اینڈ ٹریک میں بھی فسیلیٹیٹ کرے لیکن یہ دیکھیں یہ آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی ایپ بناتے ہیں تو ایپ کو یوز کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایپ کے کمپیٹیبل جو ہیں وہ موبائل فونز بھی ہونے چاہیے یعنی کہ ایپ کے کمپیٹیبل تو اسمارٹ فونز ہی ہو سکتے ہیں تو یہ جو فرسٹ فیز میں ہم جو پہلی جو اپلیکیشن جو ہم بنا رہے ہیں جو کہ کچھ دنوں کے اندر جو ہم متعارف کرائیں گے یہ آپ کے سب اسمارٹ فونز میں یہ ڈاؤن لوڈ ہو سکے گی اسمارٹ فونز کی زیادہ پینیٹریشن جو ہے بڑے شہروں میں ہے تو سب سے پہلے تو بڑے شہروں کے جو شہری ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی پہنچائی جا سکے جو کہ بڑے شہروں میں بھی ہیں اور باہر بھی ہیں ہم ٹائم لائن جو ہم دے رہے ہیں ہم نے بڑی اسپیڈ سے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں سے ان ملکوں کے گورنمنٹ کے ساتھ بھی کولیبریٹ کریں جنہوں نے آلریڈی اس قسم کی ایپس جو ہیں وہ
अपने शहरियों को दी हैं और उन ऐप्स का जो है वो बहुत फायदा भी उनको पहुंचा है। ओके, कोई स्पेशल वेबसाइट भी तैयार करेंगे इस सिलसिले में सर? के कॉन्टेक्स्ट में आपने हमारी वेबसाइट तो देखी है, उस पर अच्छा। हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम उस पर लोड कर चुके हैं और आपको ये सुन के आई थिंक काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि खुशी होगी कि हमारी ऐप को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग जो हैं वो एक्सेस कर रहे हैं। ये एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ हमने क्रिएट किया है ताकि गवर्नमेंट के एक प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे शहरियों को एक जगह से मिले ताकि कन्फ्यूजन जो है वो मिनिमाइज़ की जा सके। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में, इसी वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट में हम कोरोना की वेबसाइट भी जो है वो भी कोरोना स्पेसिफिक वेबसाइट जो है वो भी हम बना रहे हैं ताकि लोग जो है वो ऑन द गो उस वेबसाइट के ऊपर जो है इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स उनको भेजे जा सकें। तो ये भी आई होप इसी वीक के अंदर हम जो कोरोना स्पेसिफिक ऐप जो है वो भी रिलीज़ कर देंगे। अच्छा, ये भी बता दीजिए क्या इसका जो डाटा है सबका पुलिस और दीगर इदारों के साथ मुंसलिक होगा, कौन कौन स्टेक होल्डर होंगे इसके? अच्छा, आपको अभी आई थिंक एक से दो दिन के अंदर हम जो हमारी ICT एप्लीकेशन है, ICT डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म जो है जो कि हमने इस्लामाबाद के लेवल पे लॉन्च किया था, उसके अंदर हम इस कोरोना ऐप को भी एम्बेड कर रहे हैं। अगर आपने देखी है हमारी ICT एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, उसके अंदर पुलिसिंग का पूरा एक सिस्टम है, पुलिस रिपोर्टिंग का पूरा एक सिस्टम है। तो हमने इस ऐप को उस ICT डिजिटल एप्लीकेशन का जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ भी इंटीग्रेट किया है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस ऐप के थ्रू जनरेट हो रही है या इस ऐप के थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म में विजिबल हो रही है उसकी एक्सेस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को और बाकी डिफरेंट एजेंसीज़ को जो कि कुछ वैल्यू एड कर सकते हैं कोरोना के पेशेंट्स को, उनको भी विजिबल हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है ये भी विद इन दिस वीक जो है हम अकम्प्लिश कर लेंगे इंशाल्लाह। सर, लेकिन जो पाकिस्तान के डायनामिक्स हैं उसको सामने रखते हुए आपको लगता है ये कि बहुत प्रैक्टिकल सा ये आइडिया है? क्योंकि तशखीस तो तब होगी या फॉर दैट मैटर मुश्तबा अफराद का पता तो तब चलेगा जब मैक्सिमम लोग इस ऐप को इस्तेमाल करेंगे। आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सोशल मीडिया, हमारा PM ऑफिस, ये सारे वो सोर्सेज हैं जिसको हम यूज़ करेंगे इस ऐप को मार्केट करने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि हम ये ऐप अगर अपने फ़ोन पर डाउनलोड करते हैं तो इसके हमें क्या बेनिफिट्स हैं कोरोना से फाइट करने के कॉन्टेक्स्ट में। ज़रा इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मैक्सिमम लोग इसको डाउनलोड करेंगे ज़रा स्मार्टफोन यूजर्स तो फिर तो इसका फ़ायदा नज़र आएगा, बट अदरवाइज ज़रा देर आर सो मेनी लिमिटेशंस टू इट। एनीवेज, वक्त है एक ब्रेक का, अभी कुछ मौजूद बाकी, स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर तालीम सेंस सईद गनी साहब। सईद गनी, जिन्हें ज़ाहिर है कोरोना टेस्ट इनका पॉजिटिव आया, दोबारा रिपीट कराया, फिर पॉजिटिव आया, सेल्फ आइसोलेशन में। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सईद गनी साहब, ये बताइएगा कि लोग ये सोच रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है ऐलान अभी तक 4 अप्रैल का हुआ है कि जब लॉकडाउन है, क्या 4 अप्रैल तक ही लॉकडाउन है, ख़त्म हो जाएगा, बढ़ाया जाएगा, गवर्नमेंट क्या सोच रही है? और इसके साथ साथ जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने किया कि वक्त गुजरने के साथ साथ लॉकडाउन सख्त हुआ और सख्त होगा, टाइम और कम मिलेगा ग्रॉसरी करने का, बाहर निकलने का? देखिए, हालात का तकाजा यही था कि हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को घरों पर रखें। हमने पहले स्कूलों की छुट्टियां की तो हमने देखा कि बच्चों को लोग तफरी मकाम पर लेके जाना शुरू हो गए। हमने सिनेमा हाउसेस बंद किए, हमने मार्केट्स बाहर की बंद की, बहुत सारे स्टेप हमने उठाए, मज़ारात हमने बंद कर दी, लेकिन उसके बाद भी लोग कहीं ना कहीं जा ही रहे थे। तो हमें मजबूरी में इस किस्म के कुछ फैसले करने पड़े जो शायद नापसंदीदा भी हैं, जिसका हमें एहसास है कि लोगों को भी तकलीफ होती है, हमारी मईशत पर भी उसके असरात पड़ते हैं और लोगों की अपनी जो मईशत है उसके ऊपर भी बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन जो मुसीबत हम सबके सर पे इस वक्त आई हुई पूरी दुनिया में, उसके लिए जरूरी है कि पहले हम उसका मुकाबला करें, अपनी जान उससे बचाएं, उस मुसीबत से छुटकारा हासिल करें, इस विवाह को यहाँ से खत्म करें, तो उसके बाद शायद बाकी सारे काम हम करते रहेंगे। तो पूरी दुनिया में हमारे पास मॉडल्स मौजूद हैं, सक्सेसफुल मॉडल्स भी हैं और अनसक्सेसफुल मॉडल्स भी हैं। चाइना, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, ये कामयाब मॉडल्स हैं।
यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो आप देखें तो वो शायद बड़ी बुरी तरह उसमें फंसे हुए हैं, इसलिए कि उनके लोगों ने हुकूमती एडवाइजरीज पर अमल नहीं किया और बर वक्त हुकूमतों ने फैसले नहीं किए। तो ये दोनों चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, हम चाहें तो चाइना की तरफ भी जा सकते हैं, हम चाहें तो खुदा ना खासा चीज़ से बन सकते हैं, ये फैसला हमने खुद करना है। सईद गनी साहब, शहबाज शरीफ साहब ये तजवीज़ दे रहे हैं कि कोरोना टेस्ट फ्री होना चाहिए सूबे भर में, क्या सिंध हुकूमत के पास ये ऑप्शन है, आप लोग इस पर गौर कर रहे हैं और कितनी हद तक इसके ऊपर अमल किया जा सकेगा, इस्तेदाद कितनी है? देखिए इस वक्त भी जो हुकूमत सिंध जो टेस्ट करवा रही है वो तमाम के तमाम फ्री हो रहे हैं, उसमें किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, पैसे सिर्फ वो लोग अदा कर रहे हैं या उन लोगों से दिए जा रहे हैं जो खुद अपनी मर्जी से जाकर टेस्ट करवाना चाहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अगर हुकूमत ने टेस्ट करने हैं तो जाहिर है कि उसके लिए कोई एक स्टैंडर्ड हमने तय किया है कि किन लोगों के टेस्ट होने हैं। अगर इस वक्त आज के दिन हम ये ऐलान कर दें कि तमाम लोगों के टेस्ट फ्री हैं और हर आदमी जिसको नजला जुकाम खांसी और टेस्ट करवाने आ जाए, तो जो लोग डिजर्व करते हैं जिनको जरूरत है हम उनको ये सहूलत नहीं पहुंचा सकेंगे। ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में ना सिर्फ ये कि टेस्टिंग किट्स की कमी है बल्कि जो मशीनें हैं जो इक्विपमेंट है जिसके जरिए टेस्ट होते हैं उसकी भी बहुत कमी है। हम कोशिश भी कर लें तब भी हम लामहदूद टेस्टिंग की कैपेसिटी अपनी नहीं बना सकते हैं, लिहाजा जब आपके पास सहूलत महदूद हो तो उस सहूलत को उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिनको इसकी ज्यादा जरूरत है। तो बुनियादी तौर पर जो तरीक़ेकार है वो यही है कि अगर किसी में एक अगर मिसाल के तौर पर अगर मुझे है तो मैं कमरे में बंद हो गया हूँ और अगर मेरे साथ कुछ लोग और काम कर रहे थे तो उनको क्वारंटाइन में वो चले गए, उन्होंने टेस्ट नहीं करवाए, कई लोगों ने टेस्ट नहीं करवाए, वो क्वारंटाइन में चले गए। अगर 14 दिन तक वो क्वारंटाइन में रहते हैं तो अगर खुदा न खास्ता उनमें सिम्टम्स आ जाते हैं, उनमें बीमारी है, तो फिर टेस्ट हो जाएगा, उसको फिर आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर 14 दिन तक उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आते और वो नॉर्मल ठीक हो जाते हैं तो फिर उन्हें टेस्ट की जरूरत नहीं है। लिहाजा ये कहना कि जी टेस्ट की सहूलतें फ्री कर दें, फ्री तो कर दें, जो जिस तरह मैंने बताया कि सिंध गवर्नमेंट फ्री कर रही है, लेकिन हर शख्स काम नहीं कर सकते इसलिए कि हमारे पास इतनी सहूलत नहीं है। हम चाहते हैं कि हर शख्स का करें लेकिन अगर हर शख्स का करना शुरू किया तो शायद जो वसाइल हमारे पास हैं वो अगले एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद जिन लोगों को ज़रूरत होगी उनको भी ये सहूलत फराहम कर सकेंगे। सईद गनी साहब, अभी आपने खुद कहा कि जो क्वारंटीन में गए हैं और अगर उनमें सिम्टम्स नहीं आते तो 14 डेज बाद उन्हें टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप खुद एसिम्प्टोमेटिक थे सर, आपको अलामत जाहिर नहीं हुई थी लेकिन ज़ाहिर आपने टेस्ट कराया मस्बत है, और ऐसी एग्जांपल हमारे पास केपी से भी है कि जो क्वारंटीन में थे और एसिम्प्टोमेटिक थे, कोई अलामत नहीं थी लेकिन टेस्ट कराए पॉजिटिव आए। एक आम शहरी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो टेस्ट कराता है, एसिम्प्टोमेटिक है, टेस्ट कराता है, खुदा न खास्ता पॉजिटिव आता है, सर वो भी आपकी तरह खुद को सेल्फ आइसोलेट कर सकता है घर में? ऑप्शन है उसके पास ये क्या उसे हॉस्पिटल जाना ही होगा? जी बिल्कुल, जो हमारे पास इस वक्त पेशेंट्स हैं कराची में, अक्सरियत जिनकी कराची में है, बाकी तो हैदराबाद से कुछ और एक दादू में है, उनमें 70% लोग जो हैं वो घरों पर ही आइसोलेटेड हैं। ओके, तो उसमें ये किया जाता है कि एक तो जो पेशेंट है उसके पास घर में ऐसी सहूलत मौजूद हो कि वाला कमरा ऑक्यूपाई कर सके, दूसरा ये कि जब डॉक्टर उनसे बात करते हैं तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये पेशेंट घर जाकर जो बुनियादी SOPs हैं, प्रोटोकॉल्स हैं आइसोलेशन के, उसको फॉलो करेगा तो उनको फिर इजाजत होती है कि वो घर पे करें। बाकी 30% के करीब लोग ऐसे हैं जिनको मुख्तलिफ हमारे सेंटर्स में रखा गया, तो मैं वाहिद आदमी नहीं हूँ, 70% लोग जो हैं वो घरों में आइसोलेटेड हैं। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, असिस्ट कर रहे थे, सिंध में क्या कुछ हो रहा है इसके ऊपर आपने हमको बताया, काफ़ी कुछ बताया। अब खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है हम इसी के ऊपर बात करेंगे। मुशीर इत्तला केपी अजमल वजीर साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइएगा, सऊदी अरब से करीबन 2000 अफराद पेशावर आते हैं, उनका टेस्ट नहीं होता, फिर अब वो ट्रेस भी नहीं हो पाते, ये कितना सच है इस सब में, क्या कुछ कर रहे हैं अगर आप ऐसे ही है तो? इसके लिए हमने FIA के ज़रिए हमने पूरे डेटा इकट्ठा किया है, तकरीबन पूरे जो खैबर पख्तूनख्वा में जो पिछले 2-3 महीने से जो लोग आए हुए हैं उनकी तादाद कोई तकरीबन 46,000 बनती है। इसमें मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए हुए हैं, इस हवाले से हमने डेटा इकट्ठा किया हुआ है, तकरीबन 40% हमने अभी तक ट्रेस कर लिए हैं
اور اس حوالے سے جو بقایا ہے اس حوالے سے ہماری پالیسی ہے، اور چیف منسٹر محمود خان صاحب نے اس حوالے سے ایک میکینزم اناؤنس کیا ہے، انسٹرکشن دیے ہیں. دو ہمارے ٹول فری نمبر ہے، ایک ہے 1700-1700، ایک ہے 0800-1700. اس کے اوپر ہم نے اپیل کی ہے اور ہم ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں تمام ان لوگوں کے جن کے رشتہ دار یا کوئی ریلیٹیو بیر سے آیا ہوا ہے کہ ان نمبروں پہ وہ ہمیں اطلاع کریں تاکہ ان کو اور دوسرے جو ہمارے عوام ہیں صبح کے ان کو تحفظ مل جائے اس حوالے سے، تاکہ وہ کانٹیکٹ کریں گے پھر اس کے بعد اس کو. اس کے لیے ہم نے ریپڈ رسپانس فورس آلریڈی قائم کیا ہوا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، میں ریلیف ڈپارٹمنٹ 1122 ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہ سب اسی وقت اس کو کانٹیکٹ کرے. ویسے یہ ہم نے اپیل کی ہے کہ ہمیں یہ ان نمبروں پہ یہ بتائیں، ساتھ ساتھ ہم خود بھی اپنے موبائل کے ذریعے مختلف چیزوں کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 40% سے زیادہ لوگ ہم ٹریس کر چکے ہیں. اجمل صاحب، ایک خدشہ جس کا وزیر اعظم صاحب بھی بارہا ذکر کر چکے ہیں اور وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے دہاڑی دار طبقہ متاثر زیادہ ہوگا. وہ کہتے ہیں اتنے لوگ کرونا سے نہیں مریں گے جتنے لوگ بھوک سے مر جائیں گے. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے سلسلے میں راشن گھر گھر پہنچانا، اس سے متعلق کیا سٹیپس لیے ہیں آپ کی گورنمنٹ نے؟ دیکھیں، ہم نے اس حوالے سے ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، ایک بڑا پیکیج کا انہوں نے اعلان کیا. ہمارا جو ٹوٹل جو پیکیج ہے کرونا وائرس کے حوالے سے جو ابھی تک ہم اناؤنس کر چکے ہیں، جو فنانس ڈپارٹمنٹ سے ریلیز ہو چکا ہے، اس میں ہمارا 8 ارب صحت ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے ریلیز کر دیا گرانٹ، 6 ارب ہم نے ریلیف ڈپارٹمنٹ کو ریلیز کر دیا، اور 7 جو ہم نے ایک اور جو 5 ارب روپے ہیں جو مختلف ٹیکسز میں لوگوں کے اوپر ڈیوٹیز ہیں اس کی اس کے لیے ہم نے وہ کر دیا، چھوٹ دے دیا. اور پھر یہ کہ جو ہمارا اوور آل جو مزدور مستحقین اور جو ونریبل طبقہ ہے وہ جو ہمارا ہے وہ تقریباً 19 لاکھ خاندانوں کے لیے ہمارے ٹوٹل آبادی کا 43% بنتا ہے، اس کے لیے ہم نے 11 ارب 40 کروڑ روپے کے پیکیج کا اعلان کیا چیف منسٹر صاحب نے. یہ ٹوٹل جو بنتا ہے یہ 32 ارب روپے بنتا ہے ٹوٹل. یہ جو ہمارا 11 ارب 40 کروڑ روپے ہیں یہ احساس پروگرام جو فیڈرل گورنمنٹ کا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو پروگرام ہے انہوں نے جو پیکیج اعلان کیا ہے ان کا وہ 3000 کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کے تحت ہم نے 2000 جو ہے اس میں ہمارے شامل ہو جائیں گے اور یہ 5000 بن جائیں گے. تو یہ ہم نے یہ پیسے دینے ہیں اور اس کے لیے ہم نے پورا ایک میکینزم تیار کر لیا. وہ ولیج کونسل کے سے اوپر اس طریقے سے یونین کونسل اور پھر اس کے بعد تحصیل اور پھر ڈسٹرکٹ، اس طریقے سے ہم نے اس کے لیے پورا میکانزم تیار کر لیا. یہ فرمائیے گا، لاک ڈاؤن کے بعد پشاور میں آٹے کا بحران، ایسی بھی خبریں ہیں، تو پھر اب اس سلسلے میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس سب سے بچنے کے لیے، نمٹنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے، صوبہ خیبر پختونخوا کا روزانہ جو ہمارے جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے 10,000 ٹن جو ضرورت ہے ہماری. اس میں محکمہ فوڈ خیبر پختونخوا روزانہ جو فلور ملز کو کوٹا دے رہی ہے وہ ہے 5,000 ٹن، اور اس میں جو 5,000 ٹن ہے وہ ہمیں آ رہی ہے پنجاب سے آٹا جو آتا ہے. اب اس میں ہم نے جو ہمارا جو یہ 5,000 کا کوٹا تھا وہ آج سے ہم نے 6,000 کر دیا. تو مجموعی طور پر جو اس پچھلے چار دن جب یہ مسئلہ یکدم آ گیا تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں پنجاب سے جو آٹے کی ترسیل تھی اس میں تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا، لیکن
اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نوٹس میں جب یہ میٹنگ ہماری تھی ویڈیو لنک کے ذریعے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے یہ بات کی تو اس کے اوپر اسی وقت ایکشن لیا گیا. اب پنجاب سے جو ہمارا آٹا جو آ رہا ہے اس کی ترسیل شروع ہو چکی ہے اور ساتھ ہمارے پاس جو اس وقت خیبر پختونخوا میں جو ہمارے پاس محکمہ فوڈ کے پاس 180,000 ٹن گندم ہمارے پاس موجود ہے جو کہ 1 مئی 2020 تک ہمارے صوبے کے لیے کافی ہے. یہ ایشو تو آپ نے ایڈریس کر لیا. اجمل صاحب لاسٹلی بتا دیجیے گا کہ میسو ٹیسٹنگ اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک بٹ اٹس این افیکٹو ون, اس کے لیے آپ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ میسو ٹیسٹنگ ہو, اور ساتھ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کے پی میں کتنی جگہ پر اور کون کون سی جگہ پر ٹیسٹ فری ہو رہا ہے؟ دیکھیں جو ہم نے اس وقت خیبر پختونخوا میں جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ ہم نے بڑھا دی. ایک یہ کہ ہمارا جو کے ایم یو ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی اس کی جو پارٹنر ڈے ہے وہ 500 تک ٹیسٹنگ کیپیسٹی پہنچی ہے. آر ایم آئی ہمارا ہے اور اس کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے اور پھر ساتھ جو ہمارا ہے ایچ ایم سی وہ بھی ٹیسٹنگ اور پھر ابڑ آباد اور اس سائٹ پہ بھی ہم وہ کر رہے ہیں مانسہرا میں ٹیسٹنگ لیبارٹریز اور ساتھ بنو اور ڈی اے خان میں. تو جو ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے ایک یہ اوپر جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب. ساتھ اور آپ نے کہا کیپیسٹی بڑی ہے, مزید آپ بڑھائیں گے. بڑھتے ہیں آگے, اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ دہاڑی دار طبقہ متاثر ہوگا, سفید پوش متاثر ہوگا, اور کرونا کی وجہ سے تو ہوگا لیکن جو کام نہیں مل رہا, جو مزدوری نہیں مل رہی, اس کی وجہ سے زیادہ متاثر ہوگا. ایسے میں جو حکومتیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں, ویلفیئر کے ادارے کام کر رہے, لیکن پھر بھی بد نظمی اکثر جگہ سے رپورٹ ہو رہی ہے. تو بھائی بات یہ ہو گئی کہ میکانزم کیا ہونا چاہیے, اس کے لیے تجاویز کیا ہونی چاہیے, تو اسی سلسلے میں ہم رہنمائی چاہیں گے اب مذہبی اسکالر مفتی زبیر سے. السلام علیکم, یہ فرمائیے گا مفتی صاحب, حکومت اور ویلفیئر ادارے ایسے کیا اسٹیپس فالو کریں, ایسا کیا میکانزم ترتیب دیں جس سے ضرورت مند یا پھر مستحق جو لوگ ہیں ان کو راشن مل جائے, کوئی دھکم پیل نہیں ہو, کوئی بے نظمی نہیں ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت ملک میں لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے ہیں اور سفید پوش افراد شدید ترین مشکلات کا شکار ہیں, اور ڈیلی ویجز کے مستحق ملازمین قسم پرسی کا شکار ہو چکے ہیں اور ایک انسانی المیہ پھوٹ چکا ہے. ایسے وقت میں شدید ترین ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے مخیر افراد, فلاحی ادارے, این جی اوز اور تمام کے تمام ٹرسٹ اور رفاہی ادارے باہر نکلیں, منظر عام پر آئیں, اور ڈیلی ویجز کے مستحق ملازمین اور مختلف علاقوں, ٹاؤن اور محلوں کے غرباء, فقراء, بیوگان اور تمام نادار اور مستحق افراد کی مدد کریں, ہنگامی کرونا ریلیف فراہم کریں, ہنگامی اور ایمرجنسی بنیاد پر ان کے بجھتے ہوئے چولہوں کو باقاعدہ راشن فراہم کریں, ان کو اور ان کی فیملی کو نان شبینہ فراہم کریں. بہت شکریہ مفتی زبیر, آپ ہمارے ساتھ تھے, اس بارے میں رہنمائی فرما رہے تھے. یہ ایک بہت اہم معاملہ تھا, ایک بہت اہم معاملہ ہے, اس پر جتنی اچھی ورکنگ ہوگی اس کے ثمرات اتنی تیزی سے اتنے مؤثر دکھائی دیں گے. ہم ذرا کوئکلی آگے بڑھتے ہیں, ایک اہم خبر ہے آپ کو دینے کے لیے. بات ہے جی پی ایم ڈی سی کی, اور معاملہ ہے اس کی بحالی کا. بحالی کے فیصلے پر عمل نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست کی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. یہی وہ موقع تھا جب عدالت نے پی ایم ڈی سی کی فوری بحالی کا حکم دیا. اسی پر بات کریں گے, سہیل رشید نے ہمیں جوائن کیا. سہیل, توہین عدالت کی درخواست کی کاروائی ہے, ڈیٹیلز دیجئے گا. شعیب, ایسا ہی ہے, توہین عدالت کی درخواست ہے جس پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک گھنٹے کی مہلت دے دی ہے الفاق کی حکومت کو کہ ایک گھنٹے کے دوران پی ایم ڈی سی کو دوبارہ کھول کر بحال کیا جائے, اور ہو سکے تو تالے توڑ کر جو پی ایم ڈی سی کے رجسٹرار ہیں ان کو ان کے آفس میں بٹھا کر سخت ریمارکس کیے ہیں, برہمی کا اظہار کیا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے وفاقی حکومت پر, ان کا یہ کہنا تھا کہ ایمرجنسی حالت میں وفاقی حکومت اپنا کام کر رہے ہیں, یہ ریمارکس بھی دیے کہ میں اسے بھیج دیتے ہیں 6 ہفتے کے. ٹھیک ہے سہیل, صحیح سے آپ کی آواز ہم تک آ نہیں رہی. ویز آپ اپڈیٹ کر رہے تھے توہین عدالت کی کاروائی سے متعلق, بہت شکریہ.
ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 1625 ہو گئی ہے. اسلام آباد میں 8 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور اب اسلام آباد میں کیسز کی تعداد 51 ہوئی ہے. ارحم خان بھی جوائن کریں گے لیکن اس وقت ہم بات کریں اسلام آباد کی, اور یہ وہ شہر ہے جہاں پر دو علاقے ایسے ہیں جن کو سیل کیا گیا تھا, ایک ہے شہزاد ٹاؤن اور ایک ہے بارہ کہو, کیونکہ ان دو علاقوں میں کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے تھے اور ظاہر ہے جب یہاں پر ٹیسٹنگ ہوگی تو اس کے بعد ہی سامنے آئے گا کہ ایکچوئل تعداد کیا ہے کیسز کی. اور ان دو علاقوں کے علاوہ بھی ظاہر ہے کیونکہ لوکل ٹرانسمیشن ہے اور کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, اور ملک بھر کے اگر ہم بات کریں تو 1000 سے زائد کیسز ہیں, بٹ اسلام آباد کی بات کریں نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اور آپ ٹیسٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو اسی لیے خدشہ ہے کہ معاملہ بڑھے گا بھی. اور ہم کیا بتا سکتی ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں اس سلسلے میں؟ جی بالکل کرن اور شعیب, ملک میں جو ہے وہ کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور آج جو تازہ اعداد و شمار کمانڈ اینڈ کنٹرول کی جانب سے سامنے آئے ہیں وہ 1625 ہیں اور 54 کیسز نئے آئے ہیں, اور جبکہ 4 اموات پچھلے 24 گھنٹے میں ہو گئی ہیں. اس طرح ملک بھر میں 18 افراد جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. یہ تو آپ سٹیٹس شیئر کر رہی ہیں ارحم, لیکن اگر میں صرف اور اگر میں پلیز آپ سے صرف اسلام آباد سے متعلق یہ جان سکوں کہ جو نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کیا ان کا تعلق چک شہزاد اور بارہ کہو سے ہے جہاں پر لاک ڈاؤن ہوا تھا, جہاں پر زیادہ سختی تھی؟ بالکل, کچھ کیسز وہاں سے بھی ہیں, لیکن شعیب ایک بہت ہی حیرت انگیز چیز سامنے آ رہی ہے کہ لوکلی جو ٹرانسمیٹڈ کیسز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اگرچہ ملک بھر میں لاک ڈاؤن جاری ہے, اس کے باوجود پہلے تو صرف یہ کہا جا رہا تھا نا کہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان میں کرونا پازیٹیو ہو رہا ہے, لیکن اب ایک دوسرے سے جو ہے وہ منتقل ظاہر ہے. ہم لوکل ٹرانسمیٹڈ کیسز تو ہیں کہ باہر سے نئے لوگ آ نہیں رہے, لیکن جو آلریڈی ہیں ظاہر ہے ان کی بھی ٹیسٹنگ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. یہ جو کیسز آپ بتا رہی ہیں یہ میکسیمم وہ ہیں جو کہ لوکل ٹرانسمیٹڈ ہے, یعنی ٹریول ہسٹری نہیں ہے؟ بالکل, جو لوکل ٹرانسمیٹڈ کیسز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ گھر میں رہیں, حکومت کا ساتھ دیں, ہاتھ دھوئیں, ماسک پہنیں, یہ تمام احتیاطی تدابیر صرف اس لیے کہا جا رہی ہیں جی. کہ جو باہر سے کیسز آ رہے تھے ان کی تو سکریننگ ہو رہی تھی آلریڈی, ظاہر وہ تھرمل سکیننگ تھی, پر ظاہر ہے اس میں افیکٹو سکریننگ مزید ہونی چاہیے. سکریننگ سے مراد میری ہے کہ اب جو ٹیسٹنگ ہے وہ ہونی چاہیے, جو لوگ بغیر ٹیسٹ کے اس وقت گھروں میں ہیں ان کو ایک تو یہ کہ ٹیسٹ کرانے چاہیے, دوسرا کوارنٹین میں رہنا چاہیے. اور ہم ایک بات اگر اور بتا سکتی ہیں, کیونکہ آج ہم اس پر بھی ڈسکشن کر رہے تھے, کیا اسلام آباد میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو وہ سیلف آئسولیٹ کر سکتا ہے اپنے آپ گھر میں, ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل بالکل ایسا ہے, ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میں سمپٹمز ہیں تو آپ سیلف کوارنٹین چلے جائیں, اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیں تاکہ وہ پھیلے نہ. جب اب مسئلہ صرف یہی آ رہا ہے کہ لوگ اپنے احتیاط نہیں کر رہے, میل جول رکھ رہے ہیں, گھروں سے باہر نکل رہے ہیں, اگر ایک انسان میں سمپٹمز ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کوارنٹین, سمپٹمز ظاہر ہوں یا نہ ہوں, بہرحال اس وقت سب کو گھروں میں رہنا ہے کیونکہ کوئی کیریئر ہو سکتا ہے اس وائرس کا. ہم آپ ساتھ موجود تھیں اور جو نئے اسٹارٹس ہیں وہ ہم سے شیئر کر رہی تھی, بہت شکریہ. تو ارحم ہمیں بتا رہی تھی نئے اعداد و شمار کے مطابق, اور جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ شہروں میں کرونا وائرس کے خلاف مہم زور و شور سے جاری ہے, لیکن ایک معاملہ ایسا جہاں بہت دھیان دینا پڑے گا, جہاں تک ابھی لوگ شاید پہنچے نہیں ہیں, نگاہ آپ کی پہنچی نہیں, اتھارٹیز دیہاتوں میں آگہی نہ ہونے کے برابر ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی پر رپورٹ کریں گی فیصل آباد سے شاہین شہزادی. پاکستان کی 60 سے 65% آبادی دیہات سے تعلق رکھتی ہے, کرونا وائرس کے حوالے سے انہیں کتنی آگہی ہے چلیے جانتے ہیں. کرونا وائرس کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ ابھی تک ہمارے گاؤں میں آیا نہیں, میں کچھ بھی نہیں جانتی. اللہ جی اللہ جانے, پتا نہیں پتر اسی تن پاڑ جانے بھی سان تو پتا کو نہیں. سارے دن گھر چ رہنا چاہیے, گھروں باہر نہیں نکلنا چاہیے, تو نہ کوئی اتنے حکومت کا بندہ آیا, تو نہ سانو کسی نے دسیا, نہ سانو پتا ہے. پتا نہیں مینوں نے کی ہوندا. لا علمی تو ہے, مگر گاؤں میں رہنے والوں کو کرونا وائرس کے حوالے سے گھریلو ٹوٹکوں پر کتنا یقین ہے چلیے یہ بھی جان لیتے ہیں. کرونا سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نمک بچے ڈال کے نا پانی دے, وہ پیاز دینا صبح صبح. اگر پیاز کھائیں گے آپ, 5 منٹ تک پانی نہیں پینا تو آپ کا یہ علاج ہو سکتا ہے, پیاز کی وجہ سے بچ سکتے ہیں آپ. آگہی کی کمی ہے, اویئرنیس کی کمی ہے, اور یہ ایک بڑا چیلنج ہے. ہم نے صرف کرونا سے نہیں لڑنا, ہم نے اس رویے سے بھی لڑنا ہے, ہم نے جو اویئرنیس کی کمی ہے اس کو بھی ٹیکل کرنا ہے. اینی ویز جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں اور گورنمنٹس کی سطح پر سٹیپس لیے جا رہے ہیں, یعنی اگر ہم بات کر لیں انٹرنیشنل سٹیپس کی, چائنا نے سٹیپ لیا,
इटली ने लिया, इंडोनेशिया ने लिया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इटली बट इंडोनेशिया ने लिया। एनीवेज यही खबर है पंजाब से, वैसी ही खबर है पंजाब से जिसका जिला झंग और पाकिस्तान का पहला सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट यहां पर लगाया गया है। अच्छा जी, मंडी में 182,000 रुपए की लागत से तैयार किए जाने वाले इस गेट से रोजाना की बुनियाद पर 5,000 अफराद क्लोरीन स्प्रे के बाद दाखिल हो सकेंगे। यहां अंदर आना है तो इससे गुजर के जाना है। अमरीका और तुर्की जैसे कि शोएब भी बता रहे थे, इसके बाद पाकिस्तान में ये किया जा रहा है। तो इस जदीद गेट को नस्ब करने वाला हमारा मुल्क तीसरे नंबर पर आ गया है और यहाँ पर बहुत सारे लोग महफूज रह सकेंगे। लेकिन इस सब का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर ना किया जाए। ये सिर्फ 10 घंटे में 1.5 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ है, तो यानी बहुत कॉस्टली भी नहीं है, बट इट्स वेरी इफेक्टिव। एनीवेज वक्त हो गया खत्म, आप सबकी मुलाकात कल। बहुत बहुत ख्याल, स्टे एट होम, अल्लाह हाफिज़।